Now, hi everybody, good evening. HS Pranoy has popped up already, so has Kitambi Shrikant. This is exciting life. I have to make introductions, but we'll start anyway. Sorry for the delay, guys. Hi, hello, good evening. How are you? How are you? No, you tell us, please. Hi. Deepa ji, kaise hain aap? Good morning. तो मैं बस अभी इंट्रोडक्शन कर लूं कि आज क्या कर रहे हैं हम लोग. वैसे मैं थोड़े लोग के कमेंट शुरू हो गए. आई विल से हाय टू देम. बबिन कार्ली कर की हाय टू यू. हाय टू एवरीबॉडी. दिस इज वेरी एक्साइटिंग डे. वेरी एक्साइटेड टू हैव ऑल द एथलीट्स टुडे बिकॉज एवरीबॉडी ऑन दिस पैनल टुडे हैज अचीव्ड वे मोर देन आई हैव इन माय एंटायर लाइफ इन एनीथिंग. My first question is to Kitambi Shrikant, which is that yesterday is when I cracked your secret to success. Okay. That you're not on WhatsApp. And I think that has led to all this success when you've ignored all this bullshit that is out there. How much do you contribute not being on WhatsApp as a key to your success? We're not really, man. I won my first Super Series when I was using my WhatsApp. So I don't really think WhatsApp made such a big difference. But I kind of stay away from it. So I'm really getting a lot of time. So it is helping. It is helping right now. I'll just introduce you what we're trying to do here today. And I'll give some sort of introduction to GoSport Foundation. I learned about GoSport Foundation probably in about 2014 or something. And उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि यार शो करना चाहिए GoSport Foundation के लिए पैसा कमाने के लिए. एंड आई डिड अ स्टैंड अप शो एंड द स्टैंड अप शोज प्रोडक्शन कॉस्ट वाज 65,000 रुपीस एंड वी मेड 64,000 रुपीस इन टिकट सेल्स. So we raised minus 1,000 rupees for GoSport Foundation and they were like, yaar, charity event hai, minus 1,000 kaise ho sakta hai? So out of sheer guilt since then, I've been giving to GoSport Foundation every single year since then. So yeah. Let's talk about this. Pranoy, you've been supported by GSF since what year and what's how's it been? If you can just give us a little ground. Yeah, but I think I'm one of the first athletes of GSF. I think I'm proud to say that. I think I've been with GSF since 2010, almost 10 years. Yeah, 10 years I've been with GSF. Your voice is skipping a little bit, I think. Is it? Yeah. Hello. We had already discussed that you have bad internet, so this is all good. Yeah. Please forgive me for this. sorry, I was going to put up some donation links here. Okay, but I'll just take a quick question to Deepa ji. Deepa ji, आपकी वजह से मतलब पूरे इंडिया को मुझे भी समझ में आ गया कि प्रोडोनोवा कौन है. हमें कोई नहीं आइडिया है कि कौन किसने किया. बस हमें आइडिया कि आपने किया है और मैंने देखा एंड इट इज अ ग्रेट मतलब स्टनिंग मूव है. तो आप बताइए कि आपकी करियर में पहली बार आपको कब पता चला कि प्रोडोनोवा क्या चीज होती है. जब 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले हमारी चल रही थी तो हमेशा सब लोग बोलते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां हर एक चीज में पीछे, सिर्फ बॉयज कर सके. तब मुझे पता चला प्रोडोनोवा क्या है क्योंकि वो हमारी जिम्नास्टिक गर्ल्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल वॉल्ट है, इसलिए मैंने उसको चूज किया. और उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये प्रोडोनोवा इतना ज्यादा टफेस्ट है क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था वो इतने ज्यादा टफ था क्योंकि मैं इतना अच्छे से इसके बेसिक किया था. बाद में जब मेडल आया उसके बाद पता चला सच में प्रोडोनोवा कितना वैल्यूएबल था हमारी जिम्नास्टिक के लिए और वो इतने ज्यादा मतलब रिस्क की एक चीज था जो हमने रिस्क किया और फाइनली पूरी इंडिया को जिम्नास्टिक्स को पता चला.
नहीं तो मैं मुझे तो याद है जब मैंने क्योंकि अभी जिमनास्टिक्स और बैडमिंटन में दोनों यही होता है कि ज्यादा टाइम पता नहीं चलता कि किस टाइम पे शेड्यूल होगा, तो यू हैव टू कीप वॉचिंग एंड वेटिंग, व्हिच इज यू आर जस्ट लाइक आओ आओ प्लीज जल्दी आओ, आई एम जस्ट वेटिंग लाइक कम ऑन. सो हाँ मुझे याद है, मैंने बहुत गौर से देखा है और वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वेरी प्राउड ऑफ ऑल थ्री ऑफ यू. आई जस्ट टेल यू कि आज हमारा फोकस क्या है कि यू आर ट्राइंग टू रेज मनी फॉर गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन. गो स्पोर्ट्स हैज बीन इन्वॉल्वड इन एथलीट्स इन सपोर्टिंग एथलीट्स फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम अलोंग विद आई थिंक ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट एंड जस्ट बीन डूइंग अ लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क. Shrikant, I got to ask you, what is how is the training happening during this lockdown period? Because there's like nowhere to go. So have you started training yet or no? Not really. Not up, like you can't really compare with what we used to do in Hyderabad. And now I'm in Guntur. So Guntur is my hometown. Yeah. So I came here in March, just before the lockdown, and then I came here thinking to stay here for a couple of days and go back to Hyderabad, but then this whole lockdown happened and I couldn't go back again to Hyderabad. So definitely you can't compare with what we used to do in Hyderabad, but I'm just trying to do at least some activity every day here. Parupali Kashyap and his training videos, and I was like just watching like ye kya ho raha hai, like some weird cyclic spider stuff. So I think it took me a long time to realize how much of badminton involves a ridiculous amount of stretching, because you have to cover the court, so the amount of stretch that you need is a lot, and I'm assuming, so is there a lot of stretching involved and all that in your general training? Yeah, it is. Like pre and post training, we do a lot of stretching exercises. So definitely, it's not just for badminton, but I think for any sport, stretching is very important. Pranoy, I got to ask you this. You like every time I go through all the photographs of you and Shrikant and everybody, like Kidambi seems like a very serious person. Like he's very focused and like this thing. And then I see your face smiling after he's something happened. Serious. He's always serious. He's always serious. I was the one who controlled Pranoy. Shrikant has been always been a guy who has been in a steady line. I mean, there is no up, there is no down as such. But I think his graph has been always been steady. I think you'll have to give a lot of credit for him to probably keep that graph always on a straight line, and he doesn't have too much of emotions going up and down. So I think that's a great quality of Shrikant. So pretty much the whole badminton circuit seems to be like everybody seems to be friends and everybody seems to be very chilled out with each other and stuff for that. Is that that's seems the case, to be. Right? Seems to be. I like that question. So why do you spill the tea on the controversies inside the badminton circuit? Who's stealing whose money? Who is who is doing underhanded deals? Is what we want to know. Well, I guess Shrikant could say much better, I guess, for this question. You gave him that question. You gave that question to a question, and then you are now asking me to answer that question. Yeah, not really. I mean, I guess as you said, it seems to be a good place to have a lot of friends in badminton. Yeah, obviously we are playing against each other for say most of the times. Even in tournaments, you go out there. Even in the draws, you're saying, "Okay, I play Shrikant, then the other, and here also." So it's something like that where every day you'll have to face that, because that's the truth. But I guess we have plenty of things which is happening off court, which I guess which we cannot share on the YouTube live. So we'll have to get on a WhatsApp video call to get the actual gossip. This is the key. Yeah. दीपा जी, आपसे एक सवाल था कि जब मैं आपके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो ये पता चला कि आपके पापा
एक्चुअली एक वेटलिफ्टिंग कोच थे. तो शुरुआत आपकी उसी जोन में हुई कि वेटलिफ्टिंग की शुरुआत से ही उनको ये आइडिया था कि आपको जिमनास्टिक्स में डालना है? देखिए, पापा वेटलिफ्टिंग कोच था, बट मैं जब जिमनास्टिक शुरू किया तब मेरे एज था 5 and up. वो वेटलिफ्टिंग का उम्र नहीं होते. जब मैंने जिमनास्टिक शुरू किया, पापा एक कोच था तो उनको लगा कि शायद उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कर सकती है जिमनास्टिक. क्योंकि मुझे सुनने पे पापा बोलते थे कि तो बहुत ज्यादा शरारती थी और बहुत इधर उधर जम्प कूदती थी इधर उधर. तो इसलिए पापा एक कोच थे और इसे उनको लगा कि शायद वो जिमनास्टिक के लिए उसका बॉडी सही है. इसीलिए उन्होंने मुझे जिमनास्टिक्स में डाला. और एक भी बात था कि पापा को भी एक जिमनास्ट बनना था, उनको भी बहुत शौक था जिमनास्टिक्स करने का, तो इसलिए मुझे डाला. क्योंकि जिमनास्टिक में थोड़ा बहुत ज्यादा छोटी उम्र में पापा को बहुत डांट पड़ी थी, जिसलिए पापा छोड़ के वेटलिफ्टिंग में शिफ्ट कर लिया था. बट उनको लगा था कि शायद मैं कर सकती हूँ जिमनास्टिक्स, इसलिए डाला. नहीं तो दो सवाल है, एक तो पापा को डांटा क्यों, लोगों ने क्यों डांटा कि वो जिमनास्टिक्स कर रहे हैं, किस किस वजह से? देखिए, जिमनास्टिक्स में जब हम छोटे रहते हैं वो स्ट्रेचिंग वाला जो पार्ट है हमारा बहुत वो पेनफुल होता है, तब वो झेल नहीं सकते. शायद इसलिए वो भाग गई कि उनको इतना ज्यादा स्ट्रेचिंग और थोड़ा वगैरह वो सब था, तो इसलिए उनको वो सब चीज नहीं मतलब अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उनको उन्होंने चेंज कर लिया. तो पर आप बता रहे हैं कि जब आप 5 साल की उम्र के थे तब उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि भाई ये बहुत कूदती रहती है, तो ऐसा आपने क्या किया उस उम्र में कि क्या आप कबर्ड पे खड़ी होती फिर वहां से कूदा आपने पंखे पे पर नीचे, क्या एग्जैक्टली किया कि? नहीं देखिए, मैं छोटी हूँ घर पे, तो सबसे ज्यादा शरारती थी क्योंकि दीदी और मेरा बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग था, तो हम दोनों बहुत बैट से भी कूदते थे और कुछ भी करते थे, इसलिए उनको लगा शायद. Okay. I got to ask, Abhi, the Olympics are supposed to happen in 2020. Now they've obviously been pushed to 2021. How much has that changed your preparation for? Like, I can imagine that this is the moment that all athletes and also everybody involved in sports aims for. How much has it had to change your entire preparation for all three of them? Yeah. So I think. As of now, the training hasn't started. We don't really know the tournament schedule as of now. So I think there are a lot of things involved into it. I think once we get to train normally, I think that's when we will we can again start thinking about Olympics. But as of now, we really can't think about Olympics because it's way too far from now, and then. You don't know when you're gonna, when you can start training again, or when will the next tournament be. So tournaments have been getting cancelled continuously since April. Then even for the rest of the year, nothing is sure. So it's we are in a situation where we don't know anything basically. We only know the Olympic dates, but then otherwise we don't really know anything. But the weird thing is that badminton seems to be like a sport which can happily occur with social distancing. Like, unless both people are bowling at the same time, like, sure, it's possible, right? No, go ahead, sorry. Yeah, I think it is possible for singles, but otherwise, if you are playing a doubles event, then there are 4 people in one court. So it's again not a big social distancing happening there. And then if it's a singles match, I think we can still understand that there are only 2 players and then 1 on each side of the court. And then we can probably do it without the spectators. But again, I think for us to go from here to another country and then to stay in a hotel and then to eat in a restaurant, all of these are really challenging and then they're very risky at the moment. So it's definitely going to be a challenging one, I think. It's definitely going to be really tough, I think, for next couple of months at least. So I remember 2017 was the year when you were number 1 in the world. Was it 2017? 2018.
And it was, I think, but 2017 was the year that he won the most number of trophies, right? Which is, I think, the China Open was one, and the I remember the Denmark Open, and there were a couple of others. Like, I remember seeing constantly so in the papers. I won your China name back in 2014. Yeah. So I won Denmark, Australia, Indonesia, France. So when you do that, is it like you just go to Pranoy and rub it in his face and say, hey, look at this. Like, what do you do? Like, how do you use it to your advantage to make your friends feel worse? Like, what is the focus here? I know, but actually that year, during all those four tournaments, we both were sharing a room. Yeah. And then it's a two continuous tournaments. Yeah. So it was Indonesia and Australia first. So he was there throughout the week for Indonesia, and then for Australia, I think he left on Thursday. I lost first round, and then I left very fast. Yeah. I said bye bye. So I really wanted him to stay back. I was asking him to stay back until Sunday. You know, because I was in an impression that, you know, he was there in Indonesia throughout the week, and then I did well, and then I wanted him to stay there, and then we went to Denmark and France, and then he was there throughout the week, and then in France we played semi-final basically of that French Open. So he was actually there. Like, right. We both normally share the room most of the time. So he was always there. So during all my tournaments. So Pranoy, what is it about you that like you seem like a very positive force? And I'm saying this like as the, because even when I spoke to Kashyap, even he was talking about you in the most glowing terms, like Pranoy is someone who's a fun person to be around and positive and stuff like that. Are these lies perpetuated by the media, or is there any truth to this? I think it's completely truth. I think it's completely facts. I'm not denying it. But as Srikanth said, then as Srikanth said, on that complete tour, we were sharing the room. Most of the times we share the room. And then later on, I realized that, okay, if I need to cross the semifinals, I need to shift the room on the semifinal day. Yeah. But then that didn't happen. Then I was stuck in semifinals. I'm really glad that we share most of the times in say tournaments, and because out of the complete 365 days, I feel we play almost 16 to 17 tournaments in a year, and and to have someone who is very calm, who is very in his own world, I would say, whenever it comes to tournaments, I think I'm really glad that I'm with Srikanth with say most of the tournaments. So I think it's a blessing, I would say. Okay, we'll just, there's a couple of comments coming in. So a lot of people are very excited to have you guys here. Sudip Kumar says, shout out to everyone. All the best and hope you win more for the country. Somebody's asked what your lowest points are, but we'll come to that later. Deepa ji, aapse ye sawal tha ki main aapke Instagram ko bahut follow karta hu aur bahut hi interesting matlab stories aati rehti hai aapki taraf se. एक तो अभी रिसेंटली आपने कुछ फोटो डाली थी कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे आपके हाथ से कुछ खून निकल रहा था, जो काफी ड्रामेटिक, मतलब वो फोटो देखी मैंने, बोला यार ये क्या. तो ये बहुत होता है कि ऐसा, मतलब क्योंकि स्पेशली जिम्नास्टिक्स में वो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से ऐसा बहुत होता है कि कम होता है. ये हमारा वीकली होता है रोजी, क्योंकि हमारे एक इवेंट है जो अनविन बार, जिसमें मैं खाली हाथ में खाद करती हूँ, क्योंकि यूजुअली वो बहुत लोग ग्रीफ से करते हैं. क्योंकि मैं मेरे पास जब मैं जिम्नास्टिक शुरू किया था तब इतने इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट नहीं था, तो इसलिए मुझे ग्रीव्स भी कभी मिला नहीं था. तो मैं खाली हाथ में करती हूँ, जो छिल जाते वो हमारे लिए नॉर्मल है. वो कभी तो ऐसे टाइम आते हैं जब हम कंपटीशन में रहते और दोनों हाथ में ऐसे छिल जाते बट हमें परफॉर्म करना पड़ते, तो वो हमारे लिए नॉर्मल ही है. ये मतलब ये बहुत ही मतलब टफ चीज है नॉर्मल होने की. पर अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने पता नहीं ये जोक था कि सच्चाई थी, कि आपने आप टाइगर श्रॉफ के साथ थी और आपने लिखा था वहां पर ट्रेनिंग विद टाइगर श्रॉफ.
तो टाइगर श्रॉफ के साथ वो तो मतलब उनके इंस्टाग्राम तो मैंने देखे हुए, वो कैसे मतलब पता नहीं क्या क्या कूदते रहते हैं, तो उनकी लेवल और आपके लेवल में कितना फर्क है, आपको कैसे लगा? देखिए एक दिन ट्रेनिंग हो रहा था, आई थिंक वो 2018 में था एशियन गेम्स से पहले, तो हमारे संडे को ऐसे ट्रेनिंग था क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले संडे को भी ट्रेनिंग होते हैं, तो मैं गई तो जिम में इतना भीड़ था, अचानक से वो टाइगर श्रॉफ भी था वहां पे और उनका भी कुछ वो मूवमेंट कर रहे थे ट्रेनिंग के, तो मैं भी कर रही थी वो भी कर रहे थे, तो क्योंकि हमारी थोड़ा डिफिकल्टी है, वो कुछ सीख रहे थे साल्टोस वगैरह, तो हमने मिला था उनसे, तो बट उन्होंने जब हमारी मूवमेंट देखा उन्होंने बहुत ज्यादा खुश हो गए कि आप लोग इतना ज्यादा, बट हमने बोला कि हम मतलब रोज की है ये करना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि एक तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी थे और एक सब इतने एक्साइटेड थे, वो भी ट्रेनिंग कर रहे, बहुत लोग तो सेल्फी लेने के लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो पूरे जिम में साइड में इतना भीड़ हो गए, बाद में उनको जिम छोड़ के जल्दी जाना पड़ा, बट अच्छा था क्योंकि इनका जो साल्टोस वगैरह कर रहे थे वो बहुत अच्छा लगा देख के कि ऐसे बॉलीवुड एक्टर भी ऐसे साल्टो करते, तो बहुत अच्छा लगा देख के वो चीज। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर बागी फॉर्म में वो प्रोडोनोवा करेंगे क्या, ये सवाल है टाइगर श्रॉफ ऐसे कूदने जाते हैं फिर पता नहीं, बट प्रोडोनोवा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा, बट कर सकते तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रोडोनोवा को और ज्यादा लोग पहचान जाएंगे। अच्छा तो आपकी आपके लाइफ में और आप तीनों की जिंदगी में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रोल, तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल तो कोचेस का रहा है, और आपने एक एक पोस्ट डाला था काफी महीनों पहले जब आपने लिखा था अपने कोच विश्वेश्वर नंदी के बारे में, वो आपके आपके कोच है, आपके शॉफर है, आपके शेफ है, एडवाइजर है, रोल मॉडल है, टीचर है, मतलब ये सब सब वो ही करते हैं, तो उनका क्या क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में, और वो डेली हम लोग तो दूर से देखते रहते हैं, तो डेली मतलब क्या रहता है उनका फोकस आपके साथ? देखिए मैं ऐसे एक स्टेज से बिलोंग करती थी जो त्रिपुरा है, करती हूँ अभी भी, जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास फिजियो था, ना साइकोलॉजिस्ट, ना न्यूट्रिशन, ना इक्विपमेंट, मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज की, कोच। सिर्फ वो नंदी सर ने मुझे ऐसे संभाला कि हमेशा सर बोलते थे जो हमारे पास नहीं है उसके उसको मतलब बता के तो कुछ नहीं है, बट जो है उसके ऊपर हमें करना है और हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा जिमनास्टिक्स में इक्विपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसमें मतलब एक कभी भी हमें 2011 के बाद हमें इंटरनेशनल इक्विपमेंट मिला, उसके बाद पहले हम नोनी के इक्विपमेंट में ट्रेनिंग करते जो इंडियन थे, और जो वॉल्टिंग टेबल है जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ सबसे ज्यादा, जिसमें मेडल भी उसमें आया, तो वो भी हमारे पास नहीं था, वो हम क्रैशमेट लगा के, कभी कभी तो ऐसा था को, क्योंकि हमारे वो स्पॉन्ज का थोड़ा होते है उसमें पुश होते, तो हम स्कूटर की बॉक्स के जो ऊपर वाला सीट था उसको लगा के हमने किया, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज की, वो था कोच। अगर शायद उनका सपोर्ट, उनका हेल्प और उनका जो मतलब मेंटली भी जो एक सब कुछ था इनके, मतलब शायद वो नहीं रहती तो आज मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए वो मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे पहुंची हूँ सिर्फ उनके कारण, क्योंकि अगर उनकी इससे ज्यादा मेरे साथ नहीं रहते तो शायद मैं पहुंच ही नहीं पाती। तो I just want to comment on one thing कि both Shrikant and Deepa wearing these really nice ghost sports t-shirts. Pranoy, what happened? Did they not send you one? Or why are you not advertising ghost sports? I had asked them to send it to my home address, but then it got delayed. It's coming tomorrow, it seems, but no use. but yeah, all my ghost sports t-shirts are in Hyderabad. Unlucky, and nothing is in my. So where are you right now? I'm in Kerala. So I'm in Kerala. Are you also in training? Are you being able to find any time? It's tough, man. I mean, it started off with actually say one and a half month of lockdown over here, like normal. But then after that, we opened almost fully. Kerala, it was almost open fully because the cases were in a single digits for almost 2 months time, and I was training fully at that point of time, and I was ready to play a tournament apparently at that point of time.
But then again the lockdown happened. Then again it came for say almost 3 weeks lockdown happened. Again it opened up. Again I started playing. Again now it's closed because the figures have gone to 3 digits now. So yeah. So it's kind of scary right now. So since the last 1 month I've not been able to train, but trying to do something at home because in the flat also there have been a couple of cases. So the gym also has been closed. So yeah, so but trying to find some motivation to do some kind of activity on an everyday basis. And yeah, I bought a cycle, so at least trying to do some cycling nearby. That seems to be the solution everybody has, because in our heads we are like, if we cycle fast enough, we'll escape it. True. But I got to ask you guys this, which is like related to what I asked Deepa about the coaching aspect of everything, right? And I'm sure that Gopichand or various other people who are involved in the badminton, like badminton in India, just took a thrust as soon as Gopichand seemed to have entered the frame. But I'm sure there were other people as well. So can you tell me like what, like who are the pivotal people in both your journeys with regard to badminton that sort of completely changed the game for you? For me, it was Gopichand for sure. I think this definitely played a very big role in me becoming what I am today. So until my juniors, I used to play singles, doubles and mixed doubles. Then the moment when I entered seniors, it was this decision to make me play singles. And then he really worked on me. And I think he's done he's worked really hard on me, I think. He pushed me so much that in a year's time I could beat a world junior champion. So I think it was he really worked a lot, man. I think big credit goes to him for really pushing me hard and for him to work hard so much. What is it specifically about a good coach where it's like, is it that instead of like a 5-hour training, they do longer? Or is it just about the smartness of it? What is it specifically about a good coach that just makes you go that extra step in both your results and your training? I think it's not about the number of hours you train, but it is about understanding the player. So understanding what he needs and understanding what, understanding the player basically. It's about understanding what he's very good at or what he's very bad at, and then improving on his weaknesses. So I think that really makes a very good coach. Okay, ek aur sawal tha Deepa ji aapse ki abhi qualifications टोक्यो ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन हो गया है कि प्रोसेस में, क्योंकि लास्ट अपडेट जो मैंने पढ़ा था मुझे कुछ मिला नहीं था, तो आपका क्वालिफिकेशन उसकी तरफ आप काफी काम कर रहे थे, तो आप बताइए उसके बारे में। देखिए 2019 पे हमारे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, वहां से बहुत 80% क्वालिफाई हो गया। अभी हमारे और दो वर्ल्ड कप है जो अभी होने वाला था 2020 के मार्च पे, बट वो हुआ नहीं COVID-19 के वजह से, अभी वो पोस्टपोन हो गया, बट डेट अभी तक आया नहीं। अभी दो वर्ल्ड कप है सामने, तो कुछ होप्स है अभी भी। Mine is the unstable one. Sorry, मैंने कुछ सुना नहीं। I'm happy. यार, this is embarrassing क्योंकि ये I have invited you and usually I'm like, अरे guest का नहीं चल रहा है, इसमें मेरा नहीं चल रहा, तो this like too silly. Sorry, आपने सवाल दिया। I couldn't hear anything. Sorry. I don't know. मैंने आंसर दे दिया, रिपीट करूं क्या फिर से? मैं गेस कर सकता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन हो गई है 2021 के लिए, 2024 के लिए और 2028 के लिए, कंफर्म लॉक्ड है। ओके, आई हैव अ कपल मोर क्वेश्चंस। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। आई थिंक आप तीनों की जिंदगी में काफी पिवोटल रहा है, आई थिंक टू क्वाइट एन एक्सटेंट।
तो आप थोड़ा ये बता दीजिए कि एट व्हाट एज डिड गो स्पोर्ट फाउंडेशन एंटर योर करियर्स एंड हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट. बिकॉज जब मैं सोमने देवर्मा से भी बात कर रहा था या किसी से भी बात कर रहा था, दे कीप सेइंग कि यार किसी भी स्पोर्ट में एक्सेल करना, इट रिक्वायर्स नॉट ओनली टाइम एंड एफर्ट, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम फंड्स. तो प्लीज टेल अस हाउ गो स्पोर्ट्स हैज हेल्प्ड इन दैट. Yeah, I think financial support is definitely very important. Hmm. And I think for me personally, I think GoSports really helped me a lot because, you know, when I joined in 2011, so that's when I was, that was my junior last year. And then right. Until your juniors, everything really works fine. You don't really have to look at anything. So, right. You know, if you are the best in the country for your... You know, in juniors, I think I know you will get the funding to go play international tournaments. You'll get everything. Right. But the moment you enter into seniors, there'll be, you know, suddenly you see a lot many players in seniors, and then you know there'll be someone who is 28 and will still be playing in seniors. And then you know, for you to really, you know, push yourself and do well, where there are 7-8 years experience, more experienced people playing, I think it really takes a lot of work. And also really so much of financial support for you to go out, play international tournaments. And then back in 2011, there wasn't so much of support, or people didn't really know so much about badminton then. And then I think, you know, GoSports really helped a lot, you know. And then it's also because my first ever international tournament I played for seniors. I played the tournament because of the GoSports Foundation support. I think they've provided with all the flight tickets, hotel bookings, everything. And then I won that tournament. So I think that really changed everything for me. That was my first ever singles international tournament in seniors. And then to win that tournament really, you know, really helped me, you know, believe in myself. So I think that way, I think GoSports really helped me a lot. What about you, Pranoy? GoSports has been one of the big pillars, especially in my career. Because as you said, as we can said, the transition from juniors to seniors is one of the toughest. I mean, where you have, like you don't have, or you don't know what's going to happen the next couple of years in your career. And that is a spot where you doubt yourself on should I take this sport professionally or should I drop it? And out of 10, I'm sure 7 would drop it because there won't be enough of results which is coming on your way in the first couple of years. And that's where as a player, you have to struggle a lot. And it's just not about, say, financially. It's about, I feel... the belief they have, say the belief they give, saying that okay, we are there to support you for the next how many ever years. So I feel that belief is the biggest help. And to get through that couple of really tough years, I remember 2011, 2012, 2013 was really, really tough because we were coming into the circuit and we were in the top hundreds of the world, but still. We used to go out there. We used to play tournaments, but a lot of first rounds we had to exit in the senior circuit, and it was really, really tough. So to push mentally and physically at that point of time was very tough. And GoSports gave us that help at that point of time, and that was the biggest help I would say, because that transition happened much better with their help. And over the years, they could implement so many things in the system. And I think the work they have been doing over the last 10 years is just incredible. I mean, to fund so many youngsters these days, so many youngsters are able to play the sport just because of their help. And they are at least able to see the dreams of playing so many international tournaments and getting medals for the country just because they have a feeling saying that, okay, GoSports will back us. So something like that, I think, is just incredible. And I'm really glad that over the years, they could get so many programs such as, say, Rahul Dravid mentorship program into this. And that benefited me a lot
I spoke to Rahul sir a couple of times, and the insights which they give, because they had played at such a big level, and the insights which they give is just too big of say knowledge. And I felt that kind of knowledge really helped me in so many situations whenever I played so many crunch matches. And I felt those kind of things makes you a better player, a better athlete. And awesome. Deepaji? हाँ जो जब 2014 में गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन में मैं ज्वाइन हुआ पहली बात तो वो था जिमनास्टिक्स ऐसा एक गेम था कोई वो जानते भी नहीं थे बट फाइनली उस टाइम मेरे साथ गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन जुड़ा था तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती क्योंकि उस टाइम अगर वो लोग नहीं रहते तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन से मेरा फिजियो न्यूट्रिशन फिर ट्रैवलिंग का जो था वो बहुत ज्यादा हेल्प किया क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद ही कॉमनल गेम्स था ग्लासगो में जो हुआ था तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि ऐसे गेम के साथ जुड़े जिमनास्टिक जो जानते भी नहीं थे और हमने हमारे अभी बहुत सारे जिमनास्ट थे जो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिमनास्टिक भी अभी ऐसा एक गेम आ गया जहाँ पे सब लोग हेल्प करने आते और हमें मतलब जो जूनियर थे इनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे और मेडल्स भी बहुत ज्यादा अभी आ रहे हमारे तो मुझे अच्छा लगा कि वो लोग ऐसे गेम के साथ जुड़े जो जानते नहीं थे जो सब सोचते थे वो ऐसा गेम नहीं है जो मेडल दे सकते तब मैं गो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी और मुझे लगता है आगे भी ऐसे ही हेल्प करेंगे और जो राहुल दबीर मेंटरशिप में मैं हूँ त्रिपुरा में इतने ज्यादा फिजियो का अवेलेबल नहीं था बट अभी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होते फिजियो से और न्यूट्रिशन से भी तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करूंगी गो स्पोर्ट्स को क्योंकि इन्होंने इतना हेल्प किया और आगे भी करेंगे हमें तो नाइस तो इफ यू गाइस आर वाचिंग प्लीज गो स्पोर्ट्स को जाकर सपोर्ट करो लिंक्स वगैरह आई थिंक निहारिका और मयंक मानव डाल रहे हैं मयंक आई फॉरगॉट अबाउट माय मैनेजर्स नेम further and support them they do a lot of really great work and especially now we'll talk about it much later also about abhi agle hafte hum log ek aur karenge which is for play sport india which is to support people today is all about go sports so please go there and support them also just want to mention that I think this year go sports has been supported by the Aditya group Birla group and Sony Pictures Network so thanks to them as well okay I got to ask one more question which is Srikanth, you, I remember somebody just put up in comments, there was a comment which came up about I've forgotten who asked this question, but either way, somebody asked a question that please tell us about your match against Axelsen in that Denmark Open in 2017. Was that a pivotal moment, that semi-final? It was a quarter-final. Okay. Huh. It was really tough because I think three weeks before that I lost to him in a quarter final of a Japan Open, and then I'm playing him again in a quarter final in Denmark. So it's basically like I'm playing against him and also all the people inside the arena. And then I lost the first set, and then Gopi sir was there. I lost the first set, and then he was really very angry. He was upset. And then basically after the first set, there'll be a 2-minute break. And then when he came there, it was he just didn't tell me any strategy, nothing. It was all about him scolding me for not playing well. That's it. And throughout the match, it was the only thing. He was just scolding me. That's all. Nothing else. No strategy, nothing. And then I won the second set. It was really very close in the second set. I won it. And when I came to the other side, again for a 2-minute interval, it was again scolding, nothing else. It was just scolding me, that's it. Then after I won that match, it was again scolding. So he scolded me for another, I think, 15-20 minutes after that match for not playing well in the first set. I think, I think at that point, that really helped me because it gave me a lot of fire. And then... you know, at that point, that was all I need. You know, strategy,
didn't really because help. Of him I was scared because I was playing just adjacent court. I was wondering this guy is making Gopi sir full furious. Now I'm going to get the next. So it was the whole tournament. It was more about him scolding me rather than him telling me any strategies. Even in final when I was playing a final, it was only about him scolding me. That's it. Nothing else. The whole tournament was about him being angry. That's it. What is the scolding like? It's like, what have you done? You will amount to nothing. It was more about unfriend you on Facebook. Like, what is why the? Why are you playing like this? Why are you so slow? You have to play too fast. You have to be aggressive. You can't be defensive. You have to keep attacking. So it was continuously about him saying, don't play slower. Play fast. Be aggressive. Chin up. All these things. He's very particular about all these simple stuff. So yeah, if you're not aggressive, he doesn't like it. I mean, if you're a little bit dull, then he just hates it. It is always about you looking at the opponent. So he doesn't want you to look down or look anywhere else. He always wants you to look into your opponent's eyes. He always wants your racket to be higher. You know, even when you're after a rally, even when you're walking, he wants your racket to be really hold high. So he doesn't want you to be like this. A little dull or, really, he thinks body language is really very important. He wants everyone to show that aggression with their body. Nice. So it was really aggressive. And it worked nicely. If you're aggressive and if you lose also, it's still fine. But if you're dull and if you win, then you're screwed. So it's better to be aggressive. Yeah, he sometimes understands the situation really well. So that Denmark Open, that was a quarter final. So days before that, in a pre-quarter final, when I was playing a Korean guy, so there was a power cut. So there was first there was some issue with the lights on that court. So we had to, stop that match for about 15-20 minutes. Then they fixed everything and then it went off again. So we had to wait for another 15 minutes and then we shift to another court. So all of this took for about an hour of breaks in between that 45-50 minutes match. And then during that time, he was actually giving me a massage. It was we were talking random things on court. So it was he understands the situation really well. So. And then a day after that, he was really aggressive. He was scolding me. He was, pushing me really hard. So I think, in a pre-quarter final match, I think that kind of his attitude really helped me push, get through that match. And then on a quarter final day, that attitude of I think he really understands the situation during a match. Did it lead you to believe ki I hope every match there is a power cut so I get all chilled out Gopi Chand each time. You're looking at like generator. Kharab ho jayega, achha ho jayega. Pranay, I gotta ask you this. What is like I think there's all pivotal moments in everybody's career as a sports person. What is the moment for you where you're like, you know what? I'm very proud of what I've done. Like what is that? What was it a particular match? Was it what is the moment? Oh, this is a tough question. I mean, I don't remember as such because there are so many events which happens in your life which makes you feel like, okay, this is it. This is the place where you want to be. But I felt 2010, Youth Olympic Games was one kind of an event where I thought things kind of changed a bit. You won the gold there, right? I won silver there. Right. Yeah. Yeah. But for me, that was a big, big medal. And for me to believe in myself to say that, okay, I belong to this place and I can compete at the world level was the biggest thing. So for me, that was one big, turnover. Probably my career kind of changed. And even probably something around 2015 also where I was coming into top 10s. I came into top 10, but then I got injured at that point of time. And 2015 also was one very crucial year where I had continuously performed well and I was playing semi-final, quarter-final.
And that kind of an year also gave a lot of confidence in me. And the other year also was 2017, but then Srikant was winning everything. But so my semifinals were not really, really coming into the news. But I was, as an individual, I was really, really proud of what I was doing, because I came into the top 10 again. I broke into the top 10 again. I came into 8, my world ranking. And for me to get that Asian badminton bronze also was one of the biggest highlights of my career. तो दीपा जी, आपके करियर में ऐसा कौन सा मतलब मोमेंट था जब आपने सोचा कि ये मैं बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ? ऐसा कुछ कोई या तो कोई कोई गेम्स था या क्या था? वो मतलब हो सकता है कि जब आप बहुत यंग थी या लेटर आल्सो, आप बताइए क्या था? गेम्स था वही, बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए वो था कि अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो शायद हमारी जिमनास्टिक्स आर्टिस्टिक गर्ल्स की बहुत आगे बढ़ेंगे, जो मैंने किया और जो पहली बार हमारी गर्ल्स में मेडल आया, तो वो चीज, वो कंपटीशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और बहुत एक मोमेंट भी हो गया था, क्योंकि पहली बार गर्ल्स में मेडल आया और उस टाइम अनलकीली बॉयज का नहीं आया था, क्योंकि हमेशा सब सोचते थे बॉयज ही कर सकते लड़कियां नहीं, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड फील था। आई थिंक उस टाइम हमारी मेडल नहीं आते तो शायद आज जिमनास्टिक्स को लोग भूल जाते, और स्पेशली जो वुमेन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स है, जो आज अभी जिमनास्टिक्स की बात आते तो सबसे पहले गर्ल्स की आते, तो वो सब लोग भूल जाते कि ऐसा भी एक कैटेगरी है जिसमें शायद हमारी कंट्री को मेडल दे सकते। तो आई थिंक वो कंपटीशन और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और आई थिंक हम लोगों ने उसमें सक्सेसफुल भी हुआ, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम रहा और मेरे लाइफ की चेंज भी लाया वो। अच्छा, तो आपसे आपके लिए भी एक सवाल, मैं थोड़े कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ। एक तो ये साई किरण अराकेरी ने पूछा था ये सवाल, विक्टर एक्सेलसन का। अनुज मिथ बवकर आस, हाउ डिड ली चोंग वे अफेक्ट योर करियर, एनी इंस्पिरेशंस? आई थिंक आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम फॉर दैट। उमर उज्जैनी सेज, लव फ्रॉम कनाडा, थैंक यू फॉर ऑल द वर्क एंड सैक्रिफाइसेस टू ऑल ऑफ यू। आल्सो, हु इज योर ड्रीम कंपटीशन टू प्ले अगेंस्ट, करंट एंड पास्ट चैंप्स? मतलब ड्रीम कंपटीशन कौन सा है? इट कुड बी समबडी जो मतलब जो अभी खेल भी नहीं रहा है या इन द फ्यूचर या जो भी। For me, when I was, after my seniors, when I just entered seniors, you know, there were these four people, Linda and Lee Chong Wei, Peter Kane and Topic. They were really very impressive. They were too good, you know, on court. I think they were one of the legends of the sport. And I think I could play against Linda and Lee Chong Wei, but I never had the opportunity to do against Topic and Peter Gay. So I think I kind of missed that opportunity. But yeah, they all of them are really, really kind of a legend of the sport. Deepa ji, aap kuch keh rahe the? हाँ, वो मेरे लिए वही होगा जब मैं सिमन बाइस के साथ दोबारा कंपटीशन करूंगी और नॉट आउट पूरी कोशिश करूंगी पोडियम उसके साथ फिनिश करने का, तो वो बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। ये तो अभी एक कमेंट आया मयंक चौरसिया का, उसने पूछा कि हाउ इज इट कंपीटिंग विद सिमन बाइस, और उसने आपको, उन्होंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया था तो। हाँ, वो जब रियो के फाइनल चल रहा था हमारा, उसके बाद था उसका कि जब मैं प्रोदोनोवा मैं करती थी, क्योंकि उसी उस कंपटीशन के दौरान मैं और एक ओक्साना थे हम दोनों ने, बट मैंने उसको अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम, तो उन्होंने बोला, वो सिमन बाइस ने बोला था कि मैं कभी ये वॉल्ट कर नहीं सकती, मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिफिकल्टी वॉल्ट है, क्योंकि उसको सब लोगों ने डेथ ऑफ वॉल्ट नाम दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कमेंट सुन के, क्योंकि सिमन बाइस ऐसा ही कि अभी अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की 5 मेडल आते तो 5 में से 4 वो लेते, तो उनके मुंह से ऐसा एक कमेंट सुनना बहुत बड़ी बात होते मेरे लिए। तो सच में मेरा पूरा ड्रीम रहेगा कि मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे से फिट होके उसके साथ कॉम्पिटिशन करके उसके साथ पोडियम फिनिश करने की कोशिश करूँ।
मेरे ख्याल में बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि वो प्रोडोनोवा करना है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है. ज्यादातर लोग मतलब क्योंकि मैंने उसके बारे में काफी रिसर्च किया था उसी टाइम पे जब आपने किया था और काफी रिस्क अटैच्ड है उसमें, तो लोगों को आई थिंक इतना आइडिया नहीं कि उसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो करवाने के लिए और कितनी ट्रेनिंग. देखिए हाँ, हर एक चीज की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बेसिक्स, क्योंकि आप अगर बेसिक स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं वो अच्छे से करेंगे तो हर एक चीज इजी होगा. तो मेरे लिए वो प्रोडोनोवा आई थिंक मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट वॉल थी. मैं कभी भी उसको कर सकी थी क्योंकि मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग था इसका कि मेरे मैंने वीकली उसको 105 भी रिपीटेशन किया था, क्योंकि जो लोग शायद 20-30 भी करना नहीं चाहते मैं 105 किया था बिफोर ओलंपिक. तो मेरे लिए वो वॉल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, कभी ऐसे मुझे लगता ही नहीं था वो इतना डेंजरस है क्योंकि मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग था. तो मैं सबको वही बोलूंगी कुछ भी चीज सीखने के लिए पहले बेसिक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको स्ट्रांग करना. तो एक आखिरी सवाल है कमेंट से, हेमंत वर्मा पूछ रहे हैं दीपा जी साइंटिफिक अप्रोच टू फाइंडिंग अ जिम्नास्टिक्स प्लेयर इज टू फाइंड विद हाई बेटन स्कोर. बेटन स्कोर क्या होता है, वो पूछ रहे कि ये सच है कि झूठ है बेटन स्कोर, कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं किया. अच्छा, तो मतलब इट इज अ होक्स ओनली, दीपा को नहीं मालूम दैट इज अ होक्स ओनली 100%. ये सवाल मिल गया, जवाब मिल गया इसका. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नी रियली अप्रिशिएट यू गाइस, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड अगेन, यू नो व्हाट, आई थिंक लोग हमेशा बोलते हैं दैट वी प्राउड ऑफ यू ओनली व्हेन यू विन. आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल. आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस व्हेन यू, एज यू सेड अर्लियर अबाउट कंपीटिंग एंड गिविंग इट योर ऑल, एंड यू गाइस डू दैट कंसिस्टेंटली. So I'm just consistently proud of all you guys for everything that you're trying to do. Is there any last words that you'd like to say? Jaane se pehle kuch bhi aakhri shabd, please let us know, and then I'll move on to the next. No, I think thanks for having us all, Saurabh. I think it's really nice of you to have us all, and then to do the fundraising for GSF. I think they've been really supporting players from a very long time. I think for last 10 years. And I think I personally know many players who were benefited from this Go Sports Foundation. So it's for a good cause, and I wish many of the viewers can donate and play their part in helping you know the next generation kids achieve their goals. And you know, I think that's very nice to be here on the show. And then thanks for having me. Thank you so much. Thanks, Saurabh. I think it's an absolute pleasure to be in the show, and you're always funny and be funny. Always looking forward to your shows. Thanks to GSF. I think they have been incredible in the last 10 years, and I hope we have more people coming forward like GSF in the future to help the Indian sport. And I'm sure that we'll have more medals in the future. More Olympic medals when these kind of organizations come forward and help the athletes. So, thank you, GSF, and thank you, Pan. Yeah. इतना अच्छा बात करने के लिए और Go Sports Foundation को भी thank you, क्योंकि इतना help करने के लिए, और मुझे लगता है आगे भी आने वाले time जो भी हमारे next generation है उनको भी help करेंगे. थैंक यू, क्योंकि हमारी ऐसे पीरियड चल रहे हैं अभी, हम घर में रह के बोर हो रहे हैं. इतना अच्छा हमारे बात हुआ, एक फन टाइप का, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू, थैंक यू. ये शो का ये एडवांटेज है कि सब लॉकडाउन में मतलब अटके हुए हैं, इसलिए कुछ मौका मिल रहा है लोगों से बात करने का. वैसे अभी कमेंट्स में चालू हो गए कि लोग बोल रहे हैं कि कोई किसी ने बोला कि डांस हॉलिक अनु ने बोला श्रीकांत जी पे बायोपिक बाय अक्षय कुमार कमिंग सून. आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी अक्षय कुमार प्लेइंग दीपा कर्माकर इन द बायोपिक. एनीवे, थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच श्रीकांत, थैंक यू सो मच प्रणव. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस एवरीथिंग दैट यू डू, कीप डूइंग इट. एंड एवरीबॉडी एल्स प्लीज स्टे ट्यून्ड, वी हैव मोर पीपल कमिंग अप. वी हैव पैरालंपियंस हुव डन अ लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क. यू गाइस कैन लॉग ऑफ एंड स्विच ऑफ वीडियो वगैरह ऑफ कर दीजिए. Yeah. Thanks, Saurabh. See you soon. Bye, Saurabh. Thank you so much, guys. Bye. Thanks a lot. Really appreciate it. ठीक है, तो कमेंट अभी आ रहे हैं. Bye, Srikant. Bye, Deepa. Bye, Pranay. Bye. Okay, now we have with us three people who have done a lot for in as para athletes. We have Amit Kumar Saroha. We have one second. Sorry.
one side. We have Pramod Bhagat, and also, of course, we have none other than Sandeep Chaudhary. Please join us agar aap hain yahan par to. Pramod, I think Sandeep gayab ho gaya hai, par Amit aur Pramod, please aa jaiye agar aap hain to. हेलो सौरभ जी. हेलो प्रमोद जी. आपने तो मतलब अच्छा डिस्प्ले रखा हुआ पीछे दिखाने के लिए कि देखो कितना जीत के आए हम. ये भी है और मैं बहुत देर से ये देख ही रहा था, ये शो अभी तक देख रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया और मुझे लगा कि ऐसे चलना चाहिए. हमारा तो बाद में हो जाएगा बट और थोड़ा लंबा चलना चाहिए. श्रीकांत हो गया, सोना हो गया, दीपा जी हो गया, उनके साथ बहुत अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था तो मजा आ रहा था सुनने में. मैं आपको शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं भी आधे घंटे से मैं ये सुन रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा था तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि हमारा टाइम कब आएगा. नहीं सॉरी, मेरी डिले मेरी तरफ से था, सॉरी. अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजा अच्छा ही है क्योंकि देर सही दुरुस्त सही लगता है कि हमारा भी कन्वर्सेशन को थोड़ा कुछ हेल्दी और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके साथ जुड़ के और बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे जब कॉल आया था जीएसएफ की तरफ से कि प्रमोद आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं क्या, सौरभ जी आपका एक ये एक मतलब एक कन्वर्सेशन और एक क्या बोलते हैं सॉरी एक कॉमेडी टाइप में एक लाफिंग मतलब चैप्टर टाइप में ऐसा होने वाला है तो मुझे पता नहीं था आपके बारे में इतना तो मैं कभी देखा नहीं इस बार बट आपको देख के और आपके जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपका सर्च किया और एक बहुत इंटरेस्टिंग एक शो देखा आपका मैंने. एक उसमें था आप कॉलेज में मतलब एंट्री किए हैं और जैसे फ्रेंड्स लोग अपनी खींचते हैं ना अपने आप को, आपके जैसे फ्रेंड अब खींच रहे हैं जस्ट आपका जो सरनेम है पैंट तो आपको मतलब पैंट बोल के आपको सब खींच रहे थे तो आपका बच्चा हुआ तो मतलब जैसे आपके सन हुआ या डॉटर हुआ उसको हाफ पैंट बोला जाएगा और बीवी को जस्ट वो तो मजा आया तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ और मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है तो थैंक यू फॉर इनवाइट मी. नहीं नहीं आप ये तो मतलब मेरा 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 ऑनर है क्योंकि मैंने सोचा कि आई सेव द बेस्ट फॉर लास्ट इसलिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा व्यूज मिलेंगे अभी 12 बजे के बाद ज्यादा होते हैं और वैसे आपके पीछे ये सारे मेडल्स हैं और मेरे पीछे मेरे सारे मेडल्स हैं जो मैंने अपनी जिंदगी भर में जीते. अमित जी हेलो, संदीप जी कैसे आप, अमित आपके भी पीछे काफी मेडल्स वगैरह लगे हुए हैं, वेरी नाइस. आवाज सुनने वाले हैं सबको मेरा नमस्कार और मैं भी थोड़ी देर से देख रहा था पन्नो को दीपा को और काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसे माहौल में आपस में एक दूसरे से बहुत कम ही कनेक्ट हो पा रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह अच्छा करते रहें. थैंक यू सो मच. संदीप जी आपका फ्रेम एक्चुअली आई थिंक थोड़ा उल्टा हो गया है, आप ऐसे गिर रहे हैं साइड पे. वो हर वक्त ऐसे कुछ उनका कुछ क्रिएटिविटी होते रहता है संदीप का तो कोई नई बात नहीं है. रुको दोबारा, आप सही है? अभी सही है, अभी सही है. हेलो भैया, गुड मॉर्निंग अमित भाई, सब राम राम. हेलो प्रमोद भाई. हेलो संदीप जी. हेलो अमित. तो मैं वैसे आप लोगों की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लोगों को जिनको अगर आइडिया नहीं है तो संदीप जी आप जैवलिन थ्रो हैं F44 में और आपने काफी मेडल्स जीते हैं. गोल्ड मेडल एट दी IPC वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इन दोहा 2019 में. लॉट्स ऑफ अदर मेडल्स. अमित कुमार सरोहा, तो आपकी रेपुटेशन ही मतलब ऐसी है कि काफी लोग आपकी तरफ देखते हैं, काफी एथलीट्स आपकी तरफ देखते हैं एज अ गाइड एंड एज अ कोच. मतलब जब भी कोई जीतता है हमेशा आपका नाम पता नहीं बहुत बार आते रहता है. असाइड फ्रॉम दैट ऑल्सो आप ऑफकोर्स क्लब एंड डिस्कस थ्रो में करते हैं और मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहता अमित जी, पर जब मैं 14 साल का था तो मैंने डिस्कस थ्रो में कम्पीट किया था एंड आई फिनिश 29th इन महाराष्ट्र. हम लोगों ने जब शुरू किया था तो मतलब पता ही नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स होता क्या है क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है
2007 में एक रोड हादसे में ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई थी, उसके बाद मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और मैं व्हीलचेयर पे आ गया, और वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी इस लेवल की थी कि पैरा स्पोर्ट्स की सबसे सीवियर डिसेबिलिटी में मुझे खेलना है, F51 क्लास मेरी आती है जहां से पैरा स्पोर्ट्स शुरू होता है। तो काफी डिफिकल्टीज आई शुरू में, तो इंडिया में कोई था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि इस कैटेगरी में भी इतनी बड़ी डिसेबिलिटी में भी कोई खेल सकता है। मैं काफी रिसर्च की, काफी लोगों से अप्रोच किया, मतलब मैं आपको बताऊंगा मुझे खेलने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी कि मुझे खिलाया जाए। शुरुआत में तो मुझे ये रिटर्न में लिया गया था कि ड्यूरिंग द कंपटीशन अगर आपको कुछ हो गया, आप मर गए, आपको कोई दिक्कत होगी, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, क्योंकि मैं उन लोगों की भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई इंडिया का एथलीट था ही नहीं ऐसा, मतलब इस डिसेबिलिटी में कोई खेला ही नहीं, तो वो लोग भी डर रहे थे कि कैसे अगर कुछ हो गया इतनी बड़ी डिसेबिलिटी में तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मीडिया खाल उतार देगी फेडरेशन के लोगों की। तो वो मैंने दिया और आज मैं खेल भी रहा हूँ और वर्ल्ड क्लास लेवल पे काफी मेडल भी जीते हैं और इवन अपने साथी लोगों को खिला भी रहा हूँ, मोटिवेट भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने तो गलती कर दी, गेम कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं नहीं, गलती क्यों कर दी, अगर वो अगर वो स्पोर्ट्स में तो शायद कहीं दूसरे जगह होते और हमें ऐसा मौका नहीं मिलता इंटरेस्ट होने का। और अमित सर, आप मतलब आपने मतलब क्या बोलते हैं कि डर के आगे जीत है जो आप प्रूव कर रहे हो सर। नहीं तो एंड में तो फिर ये इसके बावजूद आपका आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब एंड में आपने खुद का, क्योंकि आई थिंक कुछ कहानी थी आपकी कि आप इसके पहले आप हॉकी प्लेयर थे आप। हाँ, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हॉकी खेलता था और ठीक ठाक लेवल पे हम लोग खेल लेंगे, क्योंकि सोनीपत की हॉकी पूरे इंडिया में फेमस है, यहाँ हाँ। से काफी हमारे साथी एथलीट इंडिया टीम में खेले हैं, तो काफी स्पोर्ट्स का एटमोसफेयर था, बड़े भाई थे वो बास्केटबॉल खेलते थे, तो स्कूल टाइम में खेला था मैं, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि फाइनेंशियली हिसाब किताब देखते हुए अपना बिजनेस वगैरह के प्लान किए और फिर मतलब लाइफ एक नए रास्ते पे आ कि भाई अपना बिजनेस करेंगे, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का उस टाइम पे काफी अच्छा काम था भाई हम लोगों ने किया और ठीक ठाक चल रहा था सारा मामला, और एकदम से ये बड़ा हादसा हुआ और लाइफ एकदम से चेंज। और वो कहते हैं कि भाई लाइफ को घूम फिर के उल्टा स्पोर्ट्स में ही लेके आना था, और वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि जो मेरा स्कूल टाइम का खेला हुआ जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी वही मुझे पुश करके लेके आई। लोगों को 2 साल लग जाते हैं रीहैब करने में, वो मैं 3 से 4 महीने में खत्म कर चुका हूँ। मैं रहा 6 महीने वहां क्योंकि मेरे फादर साहब को ये लगता था कि नहीं भाई बेटे को खड़ा करके लेके घर जाएंगे, तो वो चीजें इम्पॉसिबल थी, बट उनका मान रखने के लिए सारी चीजें, भाई हर आदमी यही चाहता है कि ठीक हो जाए। तो शुरुआती बड़ा टफ टाइम रहा, 2007 में इंजरी हुई थी, 9 तक कुछ मिल नहीं रहा था, ऐसा ही जस्ट टाइम पास के लिए व्हीलचेयर रख भी हुआ था इंडिया, मतलब वो भी क्वार्टर प्लेजिया ही खेलते हैं मेरी इंजरी के लोग, और एक अमेरिकन लड़का था वो इंडिया आया, उसको भी इंडिया में चोट लगी थी और व्हीलचेयर रग्बी को प्रमोट कर रहा था, उस टाइम में हॉस्पिटल नहीं थी, तो वो आया था और उसने मेरी गर्दन में कॉलर लगा हुआ है, मेरे स्ट्रेचेज भी नहीं खुले हैं और मैं मुश्किल से व्हीलचेयर पे बैठ पा रहा हूँ, और उसने आते ही मुझसे क्वेश्चन किया यू विल प्ले रग्बी, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में मन में मुंह से कैसे निकले या आई विल, मतलब मैं शायद मुझे बैठते हुए भी चक्कर आ रहे थे उस टाइम पे व्हीलचेयर पे, और मतलब वो सिर्फ जो ऑफिशियल थेरेपिस्ट वगैरह थे उन लोगों को सिखाने की चल रही थी बात, तो मैं पहला मेरे ख्याल में इंडिया में वो क्वाड्रिप्लेजिया था, तो उस चेयर पे बैठा था, वो खुंदक आपके अंदर जो होती है वो मेरे अंदर थी, एक एथलीट के अंदर जो होती है वो बचपन से ही थी, और मतलब हर बार यही था कि एक नया टारगेट लेना है, हर कंपटीशन को नए टारगेट के साथ फोकस करना है कि जो गया वो गया, अब आगे क्या, मतलब अगला प्लान क्या है, मतलब आगे की जर्नी की प्लानिंग करके, और वो रग्बी से फिर टीम गेम था, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि मेरी जैसी इंजरी के 12 लोगों को एक जगह रखना और ट्रेनिंग कराना, वो इम्पॉसिबल था। फिर बैंगलोर 2009 में आईवाज वर्ल्ड गेम हुए थे मेरे ख्याल में, प्रमोद आपने तो शायद खेले होंगे वो। नहीं नहीं सर, हमारा नहीं था कि बैडमिंटन की बहुत बहुत इंक्लूड हुआ है, डेमो गेम हुआ था ब्राजील टीम के साथ, तो वहां एक मेरी जैसी इंजरी का ही मुझे पता ही नहीं था उससे पहले कि मैं भी खेल सकता हूँ, मुझे तो फेडरेशन को ही नहीं पता था कि इसको खिला सकते हैं। तो वो एक स्विमर आया हुआ था वहां स्पेन का, और वो मेरे ही होटल में रुका था, मैंने उसको देख के पूछ लिया क्योंकि वो स्पेन की टी शर्ट डाले हुए था, यार आप कैसे यहाँ आए हुए हो, बोला मैं स्विमिंग के कंपटीशन के लिए आया हूँ,
मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि स्विमिंग क्या हम कर सकते हैं, बोला गाय बिल्कुल आप हर स्पोर्ट्स कर सकते हो। तो वहां से फिर ये डिसाइड किया कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कर, और पता नहीं था शुरुआत में कॉमनवेल्थ गेम 2010 के लिए, पता करने पे काफी लोगों से रिसर्च करने के बाद पूना जो मिलिट्री के पुराने हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड प्लेयर हैं उनसे बहुत ढूंढा, तब उन्होंने ये बताया कि आपकी क्लास जो है वो 52 बनेगी, और फिर पता किया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में है ही, तो शॉर्टपुट शुरू किया 52 क्लास के लिए। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार शॉर्टपुट फेंक रहा था तो मेरी चेयर से मेरे पैर पैर बच रहे थे, मैं सिर्फ इतना पहले दिन थ्रो कर पा रहा था, और फिर महीने भर बाद जब मैं थ्रो कर रहा था नियर अबाउट 3 से 4 मीटर मेरा थ्रो था, तो काफी इम्प्रूव हुआ और काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं ये मानता हूँ कि हर एथलीट की लाइफ ना, आप किसी का भी लाइफ उठा के देख लीजिए, बगैर स्ट्रगल के सक्सेस है नहीं, मतलब हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी आपको जरूर मिली। तो मैं तो वो लड़ाई लड़ा कि एक महीने तक तो मुझे डेली ट्रेनिंग करनी और डेली दिल्ली जाना, यार मुझे खेलना है, मुझे खेलने के लिए आप लोग अलाउ करो, कोई और एथलीट नहीं है, मैं खेलना चाहता हूँ। तो काफी बाद में फिर मिनिस्ट्री से सपोर्ट भी मिला, गवर्नमेंट से साई से काफी सपोर्ट मिला, और उसमें मैं अपने से हायर क्लास में मतलब मेरे से बेटर एथलीट के साथ कंपीट किया था, मैं मेडल तो नहीं जीत पाया पर वो मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पलों में से एक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया का कलर मैंने पहना। तो उसके बाद तो फिर एशियन गेम में जर्नी चलती रही, एशियन गेम 2010 मेडल, रियो लंदन पैरा ओलंपिक्स गए, वहां हार्ड लक नहीं मेडल जीत पाए, फिर 14-15 मतलब 14 में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मतलब काफी, फिर गाड़ी ट्रैक पे पैरा स्पोर्ट्स। तो ये एक सवाल है, तो आपने आपने पहले कभी रग्बी खेली थी? ना, वो व्हीलचेयर रग्बी व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के ही खेली जाती थी, मतलब वैसे तो खैर जब स्कूल में खेलते थे हॉकी तो उस टाइम पे हम लोग वैसे फुटबॉल लेके और वो मार धाड़ वाली तो रग्बी खेल लेते थे। वो तो अलग, स्कूल में तो अलग ही सीन होता होगा, कोई भी मतलब जुगाड़ करके कि ये नया स्पोर्ट खेल लो, लेग क्रिकेट खेल लेते थे कभी लॉब से कभी कुछ, मतलब वो चीजें स्कूल लाइफ की तो अलग ही थी। बट ये नहीं था कि कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि दोबारा मैं स्पोर्ट्स में आऊंगा और इस लेवल तक जाऊंगा कि वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स में से एक हो पाऊंगा, मतलब कभी दिमाग में ही नहीं थी। पर ये निश्चित है चीजें काफी आपको घुमा फिरा के लेके गई आती है, पर उसके लिए आपको एफर्ट करना, अगर आप एफर्ट करेंगे तो चारों तरफ से पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने लग जाती है। ये मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है कि जब ये लग रहा था कि यार खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, मतलब तब मुझे मैंने एफर्ट किया, मैंने धक्के खाए तो मतलब हर तरफ से सपोर्ट आती गई, मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला, फेडरेशन ने भी बाद में रियलाइज किया कि नहीं एक बंदा इतना एफर्ट कर रहा है तो हम लोगों को पुश करना चाहिए। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपकी मेहनत के साथ आपका लक साथ आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बाय लक आप सब कुछ ले लेंगे, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, एफर्ट डालेंगे तो किस्मत खुद बेहतर होगी। नहीं अभी वैसे कमेंट्स में सारा आ रहा है चैंपियंस ओपी, ओपी मींस ओवरपावर्ड, मतलब बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप तीनों को। संदीप जी आपसे सवाल करना था, आप तो मतलब आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ है जैवलिन में, 66 मीटर्स का कुछ था, कितना था, 66.1। तो मैं तो आपका आपका इंस्टाग्राम देखते रहता हूँ, पता नहीं किस टाइप की एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, मैं देख के मतलब चौकन्ना हो जाता कि कैसे करेंगे। तो आपका आपका ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है, मतलब अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो अलग रहेगा, तो अभी आप तीनों मतलब कैसे ट्रेनिंग कैसे कर पा रहे हैं? ट्रेनिंग तो भैया जैसे कि पहले जितना तो नहीं हो पाता क्योंकि जैवलिन है, ग्राउंड इवेंट है, अगर जैवलिन को छोटा वोटा स्पेस भी नहीं चाहिए, काफी ओपन ग्राउंड चाहिए। तो अभी फोकस जैसे कि टोक्यो के लिए फोकस थे सभी, जैसे अमित भैया भी, प्रमोद भाई भी, तो लेकिन जैसे अब टोक्यो सभी के लिए थोड़ा सा दिमाग में या फिर माइंडसेट सबको चेंज करना पड़ रहा है उसके कारण, क्योंकि काफी ज्यादा इंटर चेंज हो गया चीजों में, क्योंकि पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अमित भैया हैं, वो पिछले लाइक उनका गोल पिछले जब मैं उनसे जो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, वो 12 में भी मेडल के करीब थे, 16 में वो लाइक आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितने कम मार्जिन से उन्होंने मेडल खोया, इतना किसी को भी नहीं पता क्योंकि कोई इतना देखता ही नहीं है। तो हम एक सेम लाइक एथलेटिक्स के हैं, पैरा एथलेटिक्स के हैं, तो मुझे पता है कितनी बार की चीज लाइक इसमें और इसमें कोई गैप नहीं है,
वो बोलते ना 19-20 है, लेकिन वहां तो 19.9 और 20 था, मतलब इतना फर्क था मेडल में। तो जी ने तो ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी कि अमित विन ब्रॉन्ज। हाँ वो काफी अलग था वो दिन हमारा। तो वही बात है, तो कहने का मतलब ये था कि इतनी लंबी तैयारी चलती है, तो हमारी भी काफी लंबी तैयारी चल रही थी टोक्यो के लिए, और इस बार काफी मतलब बहुत सब मोटिवेटेड थे, इस बार काफी मेडल्स के भी अच्छे स्कोप और चांसेस हैं। पर एकदम से ये सब हुआ है तो अभी सबको माइंड सेट चेंज करना पड़ रहा है, जो प्लानिंग्स थी वो सारी चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि सभी एथलीट्स को अभी पीक करना था, लेकिन अभी एक साल और डिले हो गया सब कुछ, तो हर किसी को अपनी प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ रही है कि नहीं अब उस सेम प्लानिंग से नहीं है, नया कुछ लेके आना है, थोड़ा बेसिक्स भी करना है, थोड़ा मेंटेन भी करना है, थोड़ा हाई परफॉर्मेंस भी करना है। तो अभी मेरा तो ये चल रहा है कि मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, जनरल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम घर में बैठ के एक्सक्यूजेस तो डाल नहीं सकते कि भाई ग्राउंड ओपन नहीं है तो थोड़े दिन रेस्ट कर लें, क्योंकि ज्यादा रेस्ट भी फिर आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो जितना हो सकता है घर में बैठ के मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं सारा वर्कआउट कवर करने की कोशिश करता हूँ, एक्सेप्ट फील्ड वर्क के। तो आपके पिताश्री भी स्पेशल फोर्सेस कमांडो थे, आपके आपके पापा? हाँ वो भी थे कमांडो पापा जी। हाँ तो उनसे मतलब कुछ आपने कुछ इंस्पिरेशन लिया कि उनको देख के कि मतलब स्पेशल फोर्सेस कमांडर, तो मतलब उनके जो ट्रेनिंग लेवल्स होती हैं वो तो कहीं और ही होती है, तो उनसे कुछ आपने सीखा है सर? कहीं ना कहीं बाय बर्थ जो फिटनेस है, जो ये चीज है, डिसिप्लिन है, ये सब उन्हीं की ही नेचुरली देन है, और तो इसलिए उनसे काफी चीजें जो मिली है उन चीजों का काफी सही यूज भी हो रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी सही है, और लाइक हैंड भी अकॉर्डिंग टू जर्नी काफी लंबे हैं, जो मतलब कोचेस बोलते हैं कि भाई बहुत लंबे आते हैं, तो काफी सही फायदा है, प्रॉफिट है। और लाइक अब जैसे कि लॉकडाउन में भी है तो वो भी फिटनेस करते हैं, तो मजा आता है यार, पिताजी कर रहे हैं तू चुपचाप बैठा है, तो फिर और मतलब और ज्यादा करने में मजा आता है। प्रमोद जी आपने तो बहुत बहुत सारे मेडल्स जीते हैं बैडमिंटन में, तो आपकी क्या आपकी जैसे अभी अभी अमित जी ने बताया, आपकी क्या मतलब स्विच थी कि जब कब आपने रियलाइज किया कि यार मुझे बैडमिंटन खेलना है, कौन सी उम्र में? आपकी तो काफी यंग उम्र में होगा कुछ नहीं? हाँ मैं अभी भी यंग ही हूँ। आप बोल सकते हो मैं जब छोटा बच्चा था, आई थिंक 14-15 साल का, तब हमारे घर के पास में कुछ सीनियर्स कोर्ट बनाए, आउटडोर कोर्ट, और उन्होंने प्रिपेयर किया खेलना, तो मैं जब अपना होमवर्क और स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं उनको देखने जाता था, तब वहां से मेरा इंटरेस्ट आया कि मैं खेलना चाहता हूँ और खेलूंगा ये इवेंट। और पहले तो ऐसे जस्ट नॉर्मली एंजॉय के लिए, कि मेरा फंडा वही है कि एंजॉयिंग लाइफ, ऑप्शन क्या है। तो जस्ट एंजॉय के लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं ज्यादा सीरियस मूड माइंडेड, और कोई सीरियस मूड में कभी कभी कोई सीरियस मैटर भी होता तो मैं कभी घुसता नहीं। हाँ। तो मेरा यही फंडा था, और मैं जब खेलने गया तो मैं सीरियस हो गया वहां पर, क्योंकि मुझे खिलाया नहीं गया, बोले कि तुम थोड़ा ये हो, डिसेबिलिटी हो, हमें डर लगता है तुम खेलो गिर जाओगे, समथिंग सेम लाइक जैसे अमित सर ने कहा, उनको लिख के राइटिंग देना पड़ा, तो मुझे लिख के तो देना नहीं पड़ा था, बट जैसे एक परीक्षा बोलते हैं, अग्नि परीक्षा होते हैं, उसी टाइप में मुझे एक देना पड़ा था। लगभग मैं एक सीजन पूरा मैं वो कोर्ट के बाहर हर दिन जाके बैठ के देखता उनको और चले आता था, तो मुझे दूसरे सीजन में मौका मिला खेलने को, और मुझे पता नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स होता है, तो मुझे 2006 में इसके बारे में पता चला, और मैं 2006 से मैं एज ए प्रोफेशनली पैराबैडमिंटन में ज्वाइन किया था। बस इतनी है और ज्यादा तो नहीं, तो वो अग्नि परीक्षा यही थी कि आपको कोर्ट के साइड पे एक साल के लिए पूरा रुकना पड़ा। हाँ उसमें बहुत कुछ था, इमोशनल था, पैथेटिक सीन था, मतलब अगर आप मैं डिटेल बताऊं तो मतलब बहुत लंबा खींच जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में बता दिया। नहीं समय तो है बहुत हमारे पास, ये तो ये कब तक चलेगा कोई टेंशन नहीं, अगर आपको बता रहे हैं तो बता दीजिए, हम सुनेंगे आपकी बात। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वैसे बहुत मैं बैठा था वहां पर, तो जब बैठा तो मेरे तीन फ्रेंड थे, तो पहले हम उनको देख के हम पहले नेक्स्ट सीजन हम अपना एक कोर्ट बनाए एक फ्रेंड के छत पे, और वहां हम खेलने लगे, तो जस्ट वन आवर हम अपना जस्ट खेलते थे, उनके बाद हम सीनियर को देखने जाते थे, तो धीरे 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 मेरा हमारे एक फ्रेंड गए, दो तीन सब चले गए, मैं वैसे के वैसे बाहर बैठा हुआ था। तो मैं जब बाहर निकलता जैसे आपका सीन होता था,
तो अब मेरा तो कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि मुझे खिलाया नहीं जाता था, तो मैं बाहर बैठ के उनका खींचता था, मतलब जैसे खींचा जाता है, तू ऐसे खेल रहा है, तू ऐसे खेल रहा है, तेरा ये नहीं होता, ये तेरा ये नहीं होता, मतलब जस्ट लाइक उनका खींचना, और कुछ काम नहीं था मेरे पास, खेलने को मिलता नहीं था, तो खींचता था उनका। तो लास्ट में वो लोग देखते कि हर दिन हमें खींचता है, तो लास्ट में जब सब फिनिश हो जाता, जब सब जाने लगते, तो बोले तू आ मेरे साथ खेल ले, और मैं खेलता था उनके साथ। उनके साथ खेलने के बाद वो लोग मुझे जब तक नहीं हराते थे, एज ए मैं भी इतना अच्छा नहीं, मैं थोड़ा बहुत अच्छा खेल ही लेता था, तो जब तक मैं उनसे हारता नहीं था तब तक वो लोग मुझे छोड़ते नहीं थे। अगर मैं पहला एक दिन एक बार पहला सेट जीत गया तो वो लोग बोलेंगे खेलते हैं एक और। अच्छा अगर मैं पहला सेट हार गया तो चलो यार हो गया अब चलते हैं, मैं बोला क्यों यार मैं और खेलते हैं, नहीं 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 हो गया चलो, इसका मतलब मेरा मुंह चुप हो जाएगा क्योंकि मैं हार गया, दैट मीन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर जीत गया तो मतलब उनको रात को नींद नहीं आएगा, अगले दिन सुबह उठकर मेरे को स्टोरी बताएंगे यार बहुत क्लियर सीन होता। तो ऐसा ही था, एक मैं स्टोरी बताता हूँ, मतलब जस्ट लाइक क्या, हम एक डिस्ट्रिक्ट ओपन मैच खेलने गए थे, और मेरे साथ कभी भी मेरे पास एक अच्छा पार्टनर कभी नहीं रहा, मतलब अच्छा पार्टनर मतलब जस्ट लाइक क्या, हम तीन फ्रेंड्स थे तो दो पार्टनर बन जाते, मैं अकेला रह जाता था, तो मैं जिस चीज को लेकर चले जाता था। एक बार मुझे अच्छा पार्टनर मिला तो हम खेलने गए, तो मतलब बैड लक होगा, हम दोनों हम फ्रेंड्स का एक साथ मैच हो गया, और मोस्टली जब मैच होता है तो ऑब्वियसली मैं ही हारूंगा क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा टीम पार्टनर नहीं था, तो लकीली इस बार मेरे पास अच्छा पार्टनर था। तो ये जो आउटडोर टूर्नामेंट होते हैं रात भर होते हैं, रात 7 लेके सुबह, अगर दिन भी हो जाए फिर भी चलेगा फाइनल खत्म होने तक, एक दिन में कंप्लीट होता है। तो मैं खेले हम दोनों मतलब एज ए फ्रेंड खेले, तो खेलने के बाद क्या हुआ वो लोग हार गए फ्रेंड्स, तो मैच खत्म हो गया, हम सब आ गए बैठ गए चेयर में बैठे साइड में बैठे, तो दो फ्रेंड बोलते हैं चलो यार हम चलते हैं, मतलब एज ए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा मेरा घर वहां से, तो उन्होंने बोलते चलो मैं जाता हूँ, एक फ्रेंड का कार था, तो मैं बोला सालों क्यों जाओगे, मेरा मतलब यही वार्डिंग था, मैं बोला क्यों जाओगे, मैं जीता हूँ ना, मैं हूँ नहीं नहीं यार तू सुबह बस से बैठ के आ जाना, मतलब ये था उनका। मैं बोला यार अच्छा काम कर रहे हो, तो थोड़ा हमारा घिंचा तो नहीं हुआ, और नॉर्मली उसके बाद वो लोग लास्ट में मुझे छोड़ के चले आए, क्योंकि रीजन था वो लोग हार गए थे, और क्या होता कि धीरे धीरे मैं मूड में आता तो मैं उनका खींचता, बहुत कुछ होता है सिचुएशन जब आप जानते हो फ्रेंड सर्किल में, अगर आप हार जाते तो आपका क्या फीलिंग्स होगा, वो हारने में उनका क्या फीलिंग्स होगा, तो उससे था वो छोड़ के मुझे चले आए, और मैं फाइनल तक पहुंचा था और फाइनल में हार गया, तब उनको सेटिस्फाई मिला कि खुशी मिली, तब वो सुबह 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 तो नहीं आया, जब उनको पता चला तब मेरे घर पे आए, वो लोग बोले यार तू फाइनल हार गया, बोला हाँ हार गया, तब उनको सेटिस्फाई मिला, तो ये सब अलग बात थी। ये पर अच्छी क्या है, ये खिंचाई की वजह से अच्छा है, मतलब आपको भी मोटिवेशन मिल गई, उनको भी मोटिवेशन मिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी करियर की शुरुआत आप बेसिकली साइड पे बैठ के उनका रोस्ट कर रहे थे, उसकी वजह से उनको भी आपको दोनों को मोटिवेशन मिल गया कि भाई अच्छा करो इसमें। वही था क्योंकि एक्चुअली मैं सॉरी मैं भूल जाता हूँ बहुत बार, क्योंकि मेरा मैं जब कुछ सोचता कुछ और हूँ बोल कुछ और देता हूँ, और मैं क्या टॉपिक पे था अगर थोड़ा क्या था मैं भूल गया मेरा अपन क्या पे थे सॉरी। अपने आप को भूल जाता हूँ, जैसे अमित सर अभी अपना स्टोरी बता रहे थे, मैं कुछ देर के लिए अमित सर का स्टोरी में घुस गया था कि ऐसे हुआ था ऐसे सिचुएशन हुआ था, मैं कभी कभी कैरेक्टर में घुस के देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आपको खुद को पता होगा जब आप ऐसे आप भी बहुत बार दूसरे कैरेक्टर में घुसे हो, आप ऑलमोस्ट जब तक घुसोगे तब तक आप फील नहीं कर सकते हो और आप मतलब कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हो। वैसे प्रमोद जी आपके बारे में काफी लोग मतलब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली वाइब आ रही है आपसे। सही 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 ऐसा लोग बोल रहे हैं। नहीं नहीं एक मेरा आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। हाँ जी राइटर जैसे एक एक मतलब एक एक डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनने के लिए एक एक मतलब जैसे जो फिल्म मेकर जैसे होते हैं ज्यादा बड़े नहीं छोटे मोटे, वो एक मेरे पास आए थे ऐसे नॉर्मली अभी फिलहाल में है,
वो जस्ट बोले हमें एक आपका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक मूवी टाइप जस्ट लाइक 10-15 मिनट का. तो ऐसे जस्ट बात हो रहा था तो वो मुझसे पूछे कि आप कौन से आपको एक्टर मतलब मिला तो अच्छा लगेगा. तो एग्जैक्टली मैंने यही कहा था कि मतलब सच है, बिल्कुल सच है. आपको भी अंदाजा है कि ऐसा है. एक्चुअली मैं फील आता है, मैं बहुत बार मैं बहुत लाइक करता हूँ उनको क्योंकि उनका हाँ. बहुत सारे मूवीज मतलब रियल होता है. हाँ. जैसे अब बहुत सारे मूवीज देखते हो उनका एक मतलब रियल एक्टिंग जैसा लगता है. ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टिंग और ऐसे फिल्म में होता है तो लगता है कि हाँ ये एक्टिंग चल रहा है. और नवाज सिद्दीकी में उनका लगता ही नहीं है कि मतलब वो एक्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है. मैं तो मैंने तो एक मैच जीतने के बाद ये कहा था कि कभी कभी लगता है सलाह आपस में भगवान है. और उस दिन से मेरे जो बैडमिंटन सर्किल के फ्रेंड्स हैं मुझे भगवान भगवान बोल के मेरा निकनेम भी दे दिया. तो वो एक फनी है थोड़ी. नहीं पर ऐसा ना हो कि आप नवाजुद्दीन का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लीजिए और फिर मतलब कोर्ट के बीच में इतना गाली गलौज अचानक शुरू हो जाए. ये प्रमोद को क्या हो गया, ये नवाजुद्दीन का कैरेक्टर बहुत सीरियस हो गया. शायद मुझे लगता है संदीप को पता होगा मेरा एशियन गेम का मैच था और उसमें मैं एक मैच खेला था, बहुत हार्ड मैच था, फाइनल था और एक 25 मिनट का चला हुआ था. तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो माउंटेन पर माजी मूवी है ना, हाँ उसमें बोलता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. तो मेरे फ्रेंड सब मुझे एंकरेज कर रहे थे जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. तो मतलब अच्छा चला है. तो मतलब वो मुझे भी एंकरेज कर रहा था कि फ्रेंड सब इतना एंकरेज कर रहे हैं. और मैं एक्चुअली वो मूवी मैंने ही दिखाया था सबको और हाँ. मैं ये बोलता था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. और वो मुझे वहां पर बोला गया तो मेरा मतलब जो पावर था बूस्टर डबल से ट्रिपल से फोर्थ हो रहा था. चल थोड़े कमेंट्स आ रहे हैं फिर उसके बाद काफी सवाल है आप लोगों के लिए. एक तो somebody saying कि सौरभ डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड. यार मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड. मेरा कंप्यूटर का चार्ज चले गया था इसलिए मैं चार्जिंग पे डाल रहा था. दैट्स ऑल, देयर इज नो दिस थिंग आउट हियर. अच्छा एक जस्ट वांट टू थैंक वन पर्सन व्हिच इज एक सेंट के तो गया है. सॉरी ये आप लोगों से बात करने के बीच में मुझे कमेंट्स वगैरह भी पढ़ना पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा हूँ. बाय द वे थैंक यू टू सागर शाह फॉर द रेड एंड चेस बेस इंडिया. थैंक यू फॉर द रेड, रियली अप्रिशिएट इट. मैं एक बार और बता दूं कि प्लीज गो देयर एंड सपोर्ट गो स्पॉट फाउंडेशन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी गिविंग मनी विच आई डू प्रेटी मच एवरी ईयर टू गो स्पॉट फाउंडेशन. आई थिंक एक हो गया था बीच में. तो ये लिंक मानव या निहार का डाल देंगे. प्लीज गॉड देम प्रमोट एज यू कैन ऑलरेडी सेंस दे प्रमोट अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग पीपल एंड इट्स रियली गुड फन. अच्छा आकाश थैंक यू फॉर दिस थिंग. बैड फॉर थैंक्स अ लॉट. थैंक यू टू एवरीबॉडी हू इज डोनेटिंग सो फार, रियली अप्रिशिएट इट. जाके कर लो. और मैं कमेंट्स में भी, अगर आप लोग ये वीडियो थोड़ा बाद में देख रहे हैं, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा कि कहाँ पर डोनेशन लिंक है. प्लीज जाके दीजिए, सपोर्ट दिस ग्रेट वर्क. अच्छा तो आपसे ये सवाल है, एक तो ये पैरा एथलीट्स के सारे सेक्शंस होते हैं जैसे और मैं काफी बार मतलब समझने की कोशिश करता हूँ पर आई डोंट अंडरस्टैंड. जैसे SL3 आई थिंक प्रमोद आपका SL3 है और संदीप जी का F44 है तो ये और अमित जी का F51 है. तो ये क्या क्या मतलब इनका मतलब क्या होता है? जनरली ये होता है कि लेग हैंड व्हीलचेयर और डिसेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है. तो मोस्टली लेग अलग हो गए, व्हीलचेयर अलग हो गए, हैंड कैटेगरी. तो ये सब कैटेगरी होते हैं. हैंड में भी बहुत होता है कि इनके हाथ कितने शॉर्ट है, समथिंग इस टाइप में होते हैं. अच्छा. तो मेरे नॉलेज में इतने ही है, बाकी अमित जी और संदीप बताएंगे क्योंकि उनमें थोड़ा ज्यादा डिटेल होता है. अमित भाई साहब में तो सीनियर है तो भाई साहब ज्यादा डिटेल से बताएंगे. ये लेवल ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से होती है. जैसे व्हीलचेयर में भी 7 क्लासेस हैं, 51 से लेकर 57 तक. तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की डिसेबिलिटी. एम्पेटी है, कोई बैठ के थ्रो करना चाह रहा है. जैसे अब संदीप की क्लास है 44 है, ये स्टैंडिंग क्लास है और इसमें एम्पेटी भी आता है और पोलियो भी आता है. तो इसी तरह लेवल ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से आईपीसी डिसाइड करती है कि आप किस क्लास के एलिजिबल हैं. और आईपीसी ही ये डिसाइड करती है कि आप पैरा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते. मतलब माइल्ड डिसेबिलिटी को पैरा स्पोर्ट्स अलाउ नहीं करता. मतलब आप कभी कंपटीशन देखेंगे तो जब हमारे कंपटीशन होते हैं, जैसे प्रमोद बैडमिंटन के भी काफी हाई लेवल पे खींचतान रहते हैं, इन लोगों के भी, संदीप का भी काफी टफ
कंपटीशन जाता है और अभी तो खैर इंडिया बहुत अप कर गया है, तो संदीप ने तो बहुत बीट किया है, मार्जिन जो है मेडल का वो काफी ज्यादा है। जो सेकंड नंबर पे है वो भी हमारा अपना ही बच्चा है सुमित, वो भी इंडिया से ही है। तो मतलब ये कहेंगे कि इस क्लास के तो आज के दिन हम लोग बादशाह हैं और ऑल्सो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई रियो हो जाए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज के टोक्यो सॉरी रियो याद रहता है हाँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की तो रियो के लिए। तो टोक्यो अगर होता है तो मैं जो एनालाइज कर रहे हैं हम लोगों ने तो देखा है, अगर टाइम से होता तो इंडिया मेरा जो मानना है कम से कम डबल डिजिट में पैरा ओलंपिक में इंडिया के मेडल होते, मतलब कम से कम बताया ये मैंने आपको, उससे ज्यादा भी हो सकते थे पर हम लोग कम से कम डबल डिजिट में जरूर काउंट कर रहे हैं। देखिए आज तक के जितने मेडल हैं इंडियन पैरा स्पोर्ट्स के, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं तो ज्यादा इसी पैरा ओलंपिक में मेडल, क्योंकि बच्चों ने बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, गवर्नमेंट का भी काफी सपोर्ट है। और मैं थैंक्स करूंगा गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन का कि गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन अब तक ऐसी अकेली एक एनजीओ ही कहूंगा मैं, एनजीओ ही है बेसिकली, जो अब तक अकेली थी जो पैरा स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही, मतलब 2016-15 से लेकर और अब तक सिर्फ गो स्पोर्ट्स ही थी जो अच्छे से और एक प्रॉपर इक्विवेलेंट ओलंपिक और पैरा ओलंपियन को मान के चल रही थी। तो बहुत सपोर्ट किया है और जैसे कि आपने खुद कहा है कि आप लोग जुड़िए और इस तरह की एसोसिएशन मतलब एनजीओ को डोनेट कीजिए ताकि आने वाले हमारे जो अपकमिंग बच्चे हैं उनको सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट तो कर ही रही है नो डाउट, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, बट कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं एथलीट के करियर में उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी चारों तरफ से गो स्पोर्ट्स ने हम लोगों को सपोर्ट। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें ताकि और अमित सर हुआ हम लोग प्रोड्यूस कर। अच्छा तो संदीप जी आपसे ये सवाल था कि जो जो जैवलिन थ्रो था तो आपने उसके पहले और भी कुछ ट्राई किया था कि आप सीधा आई थिंक मेरे ख्याल में आपने बैडमिंटन भी ट्राई किया था ना? तो क्या क्या हुआ कि प्रमोद आपके कोर्ट के साइड पे बैठ के आपको हैकल कर रहे थे इसलिए आपने छोड़ दिया कि क्या? मेरा बैडमिंटन नेशनल में मेडल था जब मैं प्रमोद लोगों के साथ ही खेलने गया था, इसीलिए मेरा थोड़ा बैडमिंटन से थोड़ा कनेक्ट है और मैंने इसीलिए थोड़ा मतलब सारे बैडमिंटन वाले मेरे थोड़े नोन है और दोस्त भी हैं। तो स्टार्टिंग क्योंकि मैं पहले मेरे को जब पैरा स्पोर्ट्स कुछ पता नहीं था उससे पहले मैंने इसमें बैडमिंटन में भी खेला था और वॉलीबॉल भी खेला था, बट फिर मैं जैसे ही कॉलेज में आया तो मेरे को पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स होता क्या है। तो वॉलीबॉल की वजह से मेरे लाइक हैंड्स की जो वो है सरफेस एरिया थोड़ा ब्रॉड था। तो एक दिन क्या हुआ फुटबॉल मैच था स्टीफन्स के साथ हमारी कॉलेज के, मैं अंतराल से पास आउट था। तो कोच थे वो मतलब जो कैप्टन थे वो मेरे सीनियर ही थे, उनसे थोड़े कॉन्टेक्ट था। तो बोले सैंडी तू गोल कीपिंग करेगा क्या यार? मगा बोले यार आज वो कीपर है ना वो तो घर चला गया और मैच है यार ये तो फंस गया। मगा हाँ सर मैं कर लूंगा। तो मैं चला गया तो मैंने काफी गोल कीपिंग अच्छी की और फिर लेकिन एक दिक्कत आ गई कि जैसे कि मेरी क्लास 44 है तो मैं फिर बॉल को किक कैसे करता? तो मैं डी से लेके हाफ तक मैं बॉल को हाथ से फेंक देता था किसी भी प्लेयर के पास। तो ये चीज मेरे एक दोस्त थे उन्होंने नोटिस किया यार ये तो तगड़ा है मतलब थ्रो काफी अच्छा है और बॉल को फेंकना इतनी दूर काफी मतलब वो है। तो उसके बाद से ही उन्होंने बोला कि तू जैवलिन ट्राई करो, ये 2014 एशियन पैरा गेम्स के बाद की बात है। और उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि कैसे क्या है क्या स्टैंडर्ड है क्या है कितनी मेहनत है। तो उसके बाद मैं गया पहली बार जेएलएन स्टेडियम तो वहां देखा तो सभी इसकी पैरा एशियन गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर मेरे को किसी ने अलाउड नहीं किया कि नहीं 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 यहाँ से भाग जाओ या नहीं ऐसा करके। तो मैं बच्चा था मैं डर के आ गया। फिर मैंने लेकिन कॉलेज में मैं मस्ती के साथ ये सब स्टार्ट किया। फिर जैसे एशियन गेम्स खत्म हुआ और नेक्स्ट ईयर नेशनल्स आए तो मैंने फर्स्ट नेशनल्स में ट्राई किया, गाजियाबाद हुए थे 2015 में। तो उसमें मेरा लक कह लो या फिर क्या पता थोड़ा कुछ भी कह लो मेरा गोल्ड आ गया उसमें और डिस्टेंस भी काफी अच्छा था 47 मीटर था। तो फिर काफी लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया कि उस टाइम पे
लाइक 48 मीटर ही रियो क्वालिफाई था, तो सबको लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर जैसे कि अमित भाई साहब हैं, ऐसे सभी सीनियर्स ने सपोर्ट किया जो न्यू टैलेंट थे। उस टाइम में मरियप्पन जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका भी उस टाइम में गोल्ड आया था। तो ऐसे काफी न्यू बिगनर्स थे हमारे जैसे, जिन्होंने नेशनल्स में काफी अच्छा रिजल्ट दे के दिखाया था। तो उस टाइम में फिर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, फेडरेशन ने भी सपोर्ट किया, सीनियर्स ने गाइड किया कि भाई कोई इस इवेंट का उसको यहाँ अच्छा रहेगा, इस इवेंट का उसको यहाँ अच्छा रहेगा। फिर मैं अपने मेरे कोच शिनावल सिंह उनके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की धीरे धीरे, और उसके बाद आज प्रैक्टिस करते गए हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड। ये तो पहली बार जब आपने कम्पीट किया आप गोल्ड जीत गए सीधा जाके। हाँ यही कह लो नेशनल्स में। तो पहली बार जब आपने जैवलिन उठाया तो आपने क्या सोचा कि हाँ ये जैसे मैंने बॉल फेंकी है वैसे उसी के एडवांस लेवल का करना है? नहीं ऐसा नहीं था, मैंने उस चीज को उससे रिलेट नहीं किया। बट मेरे को कोई भी टास्क दिया जाता है तो मैं थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से थोड़ा फोकस हो के मैं उसको करता हूँ। तो फिर मैंने उसको किया, थोड़े दिन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में प्रैक्टिस करी, फिर स्टेट्स भी खेला था, स्टेट्स में मैंने गोल्ड लिया तब। सो लोगों को लगा, फिर हमारी हरियाणा पैरा एसोसिएशन है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो फिर धीरे धीरे आया, तो सब बिना सपोर्ट के कोई खिलाड़ी का ना मन टूट जाता है, कहें तो मनोबल टूट जाता है। अगर कोई एक इंसान अगर कुछ गलत तरीके से कहे तो फिर काफी नेगेटिव हो जाता है न्यू बिगनर के लिए, क्योंकि जो पहले से होते हैं उनको तो पता है कि ये सब चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन न्यू बिगनर के लिए काफी ये चीज हर्ट होती है। तो उस टाइम में थोड़ा सा मुझे लाइक प्रमोशन मिला या फिर सपोर्ट मिला कह सकते हैं, तो शायद मैं मेरी बिगनिंग स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद धीरे धीरे रियो में मैं भी फोर्थ हो गया अनफॉर्चुनेटली कुछ सेंटीमीटरों के डिस्टेंस से, तो उसके बाद और ज्यादा हर्ट हुआ। लेकिन वही बात है, हार सबसे ज्यादा सिखाती है। जीत तो हम एंजॉय के लिए रखते हैं और मेमोरी के लिए रखते हैं, लेकिन हार वो सबसे ज्यादा आपको जीवन में सिखाती है। तो तब से मैंने ठान लिया था कि उसके बाद से मैंने कभी भी रेस्ट नहीं किया। तो मैंने ये सोचा था कि जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं जीत लूं या फिर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना दूं, मेरे को अच्छे से मेहनत से कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद से कंटिन्यू लगे रहे। तो मतलब आपको धन्यवाद देना पड़ेगा वो जो बंदा जो गोलकीपर नहीं आया उस दिन उसको। हाँ, नहीं आया। हाँ उसको तो बोलना पड़ेगा। एक बार फोन करके कि अच्छा हुआ तो घर चले गया। हाँ जी, संदीप खुद ही ट्रेनिंग कर रहा था पहले, तो मुझे याद है हम लोग नेहरू स्टेडियम में बैठे थे और संदीप को एक पुराना साथी था खिलाड़ी हमारा, वो लेके आया था और मैं नवल कोच साहब उनके पास मैंने भी ट्रेनिंग की है जिनके पास संदीप अभी कर रहा है, और दो तीन और सीनियर हमारे गिरिराज भाई साहब वगैरह हम लोग बैठे थे। तो वो संदीप को लेके आया था एज ए अप्रोच के लिए कि भाई अच्छा लड़का है और कोच साहब आप इसको देख लो, ट्रेनिंग करा लो। तो नवल कोच साहब थोड़े से मूडी हैं वो मतलब आसानी से मतलब ऐसे हर किसी को लेते नहीं है टीम पे, पर वो जब ले लेते हैं तो फिर मैं तो हम लोग बैठे थे, ये आया आज मैं जेवलिंग करता हूँ, तो उनका पहला वर्ड ये था भाई टाइम नहीं है, भाई टाइम नहीं यार, नहीं करा सकते। मैं बोला मगर एक बार देख तो लो भाई साहब, मगर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, एक बार ट्राई करने में क्या, एक बार इसकी थ्रो तो देख लो। बोला यार अमित टाइम खराब हो जाए, मैं कोई टाइम खराब नहीं होता, एक बार इसकी परफॉर्मेंस देखो, थ्रो देखो। तो इसने मेरे ख्याल में 46-7 के नियर अबाउट थ्रो किया था संदीप जी। हाँ, तो फिर कहने लगे कि यार एफर्ट डालना है। मैं बोला मगर आप मगर इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थ्रोवर का ही, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और आज वही संदीप है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इस चीज के लिए अमित भाई साहब को भी धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने इनिशियली कहा उनको और खुद भी सपोर्ट किया। अभी बैठे जब आपने डिस्कशन किया ना, तो नवल सिंह बड़े हमारे मूडी कोच हैं, मतलब उनका मूड अगर मूड है तो करा देंगे, अदरवाइज भाग जाए यहाँ से नहीं करा। तो वो क्लिक करने वाली बात थी कि हम लोग वहां थे और हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं उनके साथ, उन्होंने उस बात का भी मान रखा कि भाई ठीक आप सब लोग कह रहे हो तो कराते हैं, और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। संदीप इस मेरे हिसाब से तो मतलब और जो दूसरे एथलीट हैं उनमें और संदीप की परफॉर्मेंस में 4-5 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये एफर्ट और सही गाइडेंस का ही फायदा मिला है।
यही है सौरभ भाई, हमारा पैरा स्पोर्ट्स में ना एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है पैरा स्पोर्ट्स है क्या। जब तक पता चलता है तब तक एज जा चुकी होती है, जूनियर सब जूनियर लेवल के नेशनल चैंपियनशिप नहीं होती, इवेंट नहीं होते, स्कूल में लोगों को पता नहीं। तो मैं ये मानता हूं अगर ये थोड़ा सा जो अवेयरनेस का पार्ट इम्प्रूव हुआ है ये रियो के बाद इम्प्रूव हुआ है, और उसके बाद नए नए बच्चे आए उन्होंने और अच्छा परफॉर्म किया। अभी हमारी जो नई जनरेशन है पैरा यूथ पैरा एशियन गेम में मेडल टैली में दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडिया, वो बहुत इंप्रूव कर रहा है। नए नए बच्चे सीनियर एशियन गेम में मेडल लेके आए, वो एक स्विमिंग वाली लड़की है, बैडमिंटन में तरुण है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मतलब अगर लोगों को टाइमली पता चल जाए तो मैं ये मानता हूँ कि इंडियन पैरा स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ इतनी डिसेबिलिटी है, इतनी इंजरिया है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को एक रास्ता मिल जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एज ए पैरा स्पोर्ट्स को आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ले सकते, क्योंकि आज के दिन हर गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है मेडल जीतने पे, जॉब्स मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में प्रमोद आपकी स्टेट में भी जॉब अनाउंस हुए हैं पैरा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। हाँ नहीं, मैं ऑलरेडी जॉब होल्डर ही हूँ, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। स्टेट गवर्नमेंट की कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट मैंने अप्लाई किया है, तो होपली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। मे बी कोरोना के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, हो जाएगा। एफर्ट तो डालने पड़ेंगे हम लोगों को, पता है जब हमने हरियाणा में पहली बार शुरू कराया था तो सीएम से ऑर्डर्ड बाई फाइल पे भी हमारे नीचे वाले जो महानुभाव बैठे थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो एफर्ट बहुत डालने पड़ेंगे चीजों के लिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये अवेयरनेस का पार्ट जैसे आप लोग इस तरीके से लग रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हमारे को कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके बच्चा डिफरेंटली एबल है तो वो मायूस ना हो। अगर वो एजुकेशन अच्छी नहीं ले पा रहा तो हर डिसेबिलिटी के लिए पैरा स्पोर्ट्स में जगह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बच्चा होप्सो 24 या 28 के पैरा ओलंपिक में कंट्री के लिए मेडल जीते, तो बिल्कुल अपने बच्चे को पॉजिटिवली लें। और क्योंकि एक सिनेरियो बन गया है कि किसी को इंजरी होगी या किसी को पोलियो या किसी को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, वो बेचारा हो गया, अरे यार ये बेचारा, फैमिली की भी नजरों में, सब लोगों के मार्केट में। मैं जैसे कई मार्केट में जाता हूँ तो लोग इस तरीके से देखते हैं, यार ये क्या है भाई, ये व्हील चेयर पे है, बड़ा स्मार्ट सा बन के घूम रहा है। खैर हम लोग तो देखते ही नहीं लोगों का क्या, लोग अपनी मस्ती में रहते हैं। पर मतलब लोगों का सोच जो है ना वो अब भी यही है कि एक सिंपैथी वाली, जबकि बाहर ये चीजें नहीं है। वहां लोगों का अगर आपको इंजरी हो गई या कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपका सिस्टम चेंज हुआ है, मतलब आपकी लाइफ का तरीका बदला है, काम करने का तरीका वही है, आपको सेम सोसाइटी में वैल्यू मिलेगी, सारी चीजें सेम रहे। तो होप सो इंडिया में भी चेंज आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा चेंज आएगा और हम लोग देश के लिए इसी तरह मेडल जीतते रहेंगे। ये आपने एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है वो सिंपथी के बारे में, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ जो डिफरेंटली एबल्ड है वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार ये बेफजूल की सिंपथी मत दो हमें, ये बेकार में। जैसे मैं एक अपने स्टैंडअप में एक मैंने कहानी कही थी जो सही कहानी है। तो मैं एक प्लेन को बोर्ड कर रहा था और एक बंदा था वो व्हीलचेयर में था, तो उससे बात कर रहा था, वो मेरी ले रहा था पूरे टाइम पे, ये टकला तू कैसे कॉमेडी करता है, ये सब बकवास कर रहा था। तो हमारा चल रहा है ऐसे मतलब बकवास चल रहा है एक घंटे के लिए। तो जब वो बोर्डिंग के पहले वो जो गेट आता है तो वहां पर एक एयर होस्टेस खड़ी थी, तो उसने बोला कि ही हैज टू बोर्ड फर्स्ट, उनकी बोर्डिंग पहले होगी। तो मैंने बोला क्यों, ही ऑलरेडी हैज अ चेयर। बोला और वो टूट टूट के हंसा और उसके आर पार सब लोग बोल रहे कि ये जोक अलाउड है कि नहीं, लगा उसको पसंद आया, तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है। तो ये सिंपथी का चीज, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको बेफजूल की सिंपथी दे जो बहुत इरिटेटिंग रहता है, ऐसा कभी हुआ है कि? देखिए सौरभ भाई, मैं तो एक्चुअली काफी एक्सपीरियंस था, एज हो गई थी 24-25-22-23 साल, तो मतलब लाइफ काफी जी ली थी, तो मैं उस चीज को ज्यादा वरी नहीं करता था। और सिंपैथी वाले पार्ट पे मतलब मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मेरी अपनी पर्सनालिटी थी तो हम उसी हिसाब से चीजों को मैनेज। जो ये जन्म से या बचपन से जिसको दिक्कत हो जाती है उनकी मेंटली सिचुएशन जो है वो काफी वीक होती है, नहीं हैबिचुअल हो जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे इतना खींच लिया था कि मुझे अगर कोई कुछ बोलता भी तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, मैं हूँ जो करते थे जान मुझ के, मैं ऐसा नहीं मतलब
वो जान बुझ के मैं मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा वीक हूँ तो जान जो मुझे लेफ्ट साइड पुश करते थे हैं, तो वो पुश इसलिए करते थे कि पुश करने के बाद वो मुझसे कुछ आउटपुट लेना चाहते थे, मतलब ये जो होता है ना फ्रेंड सर्कल आपको खुद को पता होगा, तो ये सब था। और मेरा मानना है कि जो मतलब आप तो बहुत यंग सॉरी ओल्ड एज में आपका इंजरी हुआ था, बट हम तो मतलब एज ए देखा जाए तो 5 to 6 ईयर ओल्ड के से तब से हुआ, तो एक बार हम लोग को बहुत इजी है मतलब ये चीज को एडॉप्ट करना, आप में थोड़ा जब तक लिए आपके जैसा कोई स्ट्रांग माइंडेड पर्सन नहीं हो या स्ट्रांग पर्सन हो तो उनके लिए थोड़ा बहुत है, बट हो ही जाता है। इस बात में दोनों सिचुएशंस में मैं बोलूंगा क्योंकि मैं दोनों सिचुएशंस में मतलब रहता हूं, तो जैसे कि अमित भाई, पहले अमित भाई साहब को बताता हूं, जैसे अमित भैया ने समझाया वो काफी सही है कि 95% यू कैन से 95% जो पैरा स्पोर्ट्स में जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं अदर देन या फिर बेस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, पैरालंपिक चैंपियंस हैं, वो वही हैं जो आफ्टर एक्सीडेंट दे आर अ पैरा एथलीट, और पहले वो कुछ और स्पोर्ट्स करते थे या फिर कुछ एथलेटिक्स में करते थे, क्योंकि उनका माइंड सेट और या फिर वो पहले से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि उनको ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई पहले ऐसा था और अब ऐसा है। तो ये अमित भाई साहब का कहना काफी सही है कि इतना ज्यादा नहीं, बस क्योंकि बस थोड़ा सा ये होता है कि पहले इंसान ज्यादा समाज में, अब फिर हमें समाज से ज्यादा मतलब नहीं होता कि उन्हें सोचने दो, हमारा काम है खेलना और देश के लिए अच्छा करना और अच्छा रिजल्ट देना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। अब दूसरी बात प्रमोद की सिचुएशन पे आते हैं, तो ये सिचुएशन भी सही है कि अब प्रमोद स्ट्रॉन्ग इसलिए बन गया क्योंकि इसके फ्रेंड्स इतने इसको टीज करते थे, इतना मतलब वो करते थे, तो इसको वो चीज इनका नेचर जो जोली नेचर है ना, तो वही चीज एक पॉजिटिव उसमें हो गई कि किसी चीज को मतलब सीरियस लिया ही नहीं, हर चीज को मजाक में लेते लेते वो डेली डेली इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ कर ले ले ले, मैं तो अगर धक्का देखा मैं खड़ा हो गया फिर ले। तो यही रीजन है कि बेस्ट रिजल्ट आता है, अगर प्रमोद ही वहां पे ऐसे सोचता ना घर पे आता है, मम्मी मेरे को तो ऐसे टीज कर रहे हैं, मेरे को तो गिरा दिया, तो फिर वहीं से बच्चा वीक होना शुरू होता है और पेरेंट्स फिर बच्चे को बाहर जाना बंद कर देते हैं कि तुम वहां नहीं जाओगे या फिर तुम अपनी लाइन चेंज कर दो, तुम अपना रास्ता चेंज कर दो, तुम लोगों से मिलना छोड़ दो। तो वही बात है, तो इसीलिए जो इस सिचुएशन से अगर अच्छे से लड़ता है तो फिर वो कुछ ना कुछ तगड़ा ही करता है। नहीं ऐसे में मेरे पापा ने मुझे समझाया था एज ए बहुत बार जब मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया था एज ए, तो मैं ऐसी मतलब हीरो पंथी और इसके लिए खेलते थे क्योंकि बैडमिंटन एक मतलब पता है पब्लिक साइड में चारों तरफ बैठे रहेगी और चिल्ला, मतलब एक आउटडोर में एक लोकल टूर्नामेंट खेलने और मतलब उसका क्रेज ही अलग होता है, मतलब वहाँ भी कमेंट पड़ते हैं अगर आप अगर कुछ गलती कर जाते हो तो बहुत सर, जैसे कि एक हमारे साथ बहुत हेल्दी था तो उसका नाम था टाटा एस, छोटा था बहुत हेल्दी, उसको टाटा एस बोलते थे, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जो मिलते हैं, तो वैसे था बट वो सब एक अलग था, मतलब घर में मैं जब जाता था बहुत सीरियस, मतलब मेरा अलग ही एक मतलब नेचर ही पकड़ लीजिए बिहेवियर था, घर में घुसते ही चुपचाप जाओ पापा बोलेंगे बैठ बैठोगे, उसके बाद बोलेंगे देख थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर पढ़ाई करेगा तो कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी और तो कुछ करेगा कुछ बनेगा। सौरभ भैया तो आप प्रमोद से एक कंटिन्यू 10 वर्ड्स की लाइन सीरियसली नहीं बुलवा सकते मैं श्योर। एक्चुअली इसमें भी एक है, जैसे संदीप जी के पापा स्पेशल फोर्स में थे, मेरे पापा जस्ट एक स्माइलिंग कॉमेडियन टाइप में ऐसे करते थे, जब ऐसे वॉकिंग करते रहेंगे अनजान आदमी को बोलते हैं भाई साहब आपका 5 रुपए गिर गया, आदमी देखिए कहाँ है मजाक कर रहा था, मतलब हम सब कभी कभी जाते रहते हैं हमको शर्म आ रहा था कि आदमी गाली नहीं दे दे, मतलब बट वो भी आदमी मस्ती में हंसी मजाक में चल जाता, तो वो नेचर मेरे पास भी रह गया, पापा कभी सीरियस हुए नहीं आज तक ऐसे देखा जाए तो, ना मुझे भी कभी किए नहीं है, तो ये सिचुएशन जब मैं पापा और मैं बैठते थे तो मुझे जब समझाते थे देख ऐसा है पढ़ाई कर और थोड़ा ये कर और नहीं तो जॉब नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, प्राइवेट जॉब में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगे, तो मैं बोला ठीक है पापा ठीक है, फिर जाता स्टडी रूम में घुसते ही पढ़ना स्टार्ट है, फोकस माइंड नहीं पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना, गेम छोड़ो गोली मारो पढ़ना है जो बोला गया है, तो मैं इस टाइप से फोकस करता, जैसे मैं पढ़ना 2 लाइन पढ़ाऊंगा
खेलते होंगे अब तो मतलब एक घंटा हम खेलते थे ना तो सात से आठ सात साढ़े सात तक मेरे दोस्त खेलते होंगे, आठ बज गया अब वो सीनियर के पास चले गए होंगे खेलने के लिए, आज कौन आया होगा कौन नहीं आया होगा, फोकस करते करते 8:30 तक हार्डली बात आज एक घंटा पढ़ लिए, बुक बंद करो और घर का थोड़ा जो किल्ली होता है ना किल्ली वो बहुत ढीला था तो बाहर से जाके अंदर से लेके ऐसे लगा देता था, तो पापा जब भी आगे स्टडी मतलब चेकअप चेक करने आते थे तो रूम बंद है पढ़ रहा है, तो एक दिन क्या हुआ गलती से पापा ने लेट हो गया तो उन्होंने क्या किया खाना खाने के लिए प्रमोद ठक 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 तो दरवाजा खुल गया तो खुलते ही मैं हूं नहीं, पापा ने वही ऐसे किया एंगल किया ऐसे किले लगा दिया चले आए, मैं मस्त खेल उल के आया अपने स्टडी रूम में घुसा कपड़ा वपड़ा चेंज किया फिर आया, आने के बाद बोले प्रमोद पढ़ रहा था, वहां पापा पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला अच्छा तो बाप को भी अब मतलब ये बना रहा है मतलब भौकवा बना रहा है, मैं बोला नहीं क्या हुआ मैं तो गया था तू तो था नहीं, तो मैं बोला आज खेलने चले गया था तो वो सीन था, फिर पापा ने फिर बैठाया और कहा देख सुन मुझे तेरे खेलने से कुछ आपत्ति नहीं है बट ये करना तुझे जरूरी है और ये कर थोड़ा बहुत पढ़ ले ध्यान दे दे उसके बाद खेल, मैं फिर वही सिस्टम था हाँ ठीक और उसके बाद फिर रूटीन वही मतलब बोलता दिल है कि मानता नहीं तो वही सिस्टम मैं भी बालास में जाके पापा ने भी अप्रिशिएट किया बोला अच्छा खेल रहा है तो तुम जाओ, और फैमिली ने पुश किया तो उसके बाद और अब ये जो आपको बता रहा है ना ये मेडल जो पीछे मैं सेटअप बना रखा हूँ ये मैंने नहीं बनाया है एक्चुअली क्या था इसका भी एक स्टोरीज है मतलब मैं ऐसे जनरली मैं अपने आप पे भी बहुत सारे मैं इतना ऐसे अभी भी देखो कहीं पर धूल धूल लगा हुआ होगा मैं इतना क्लीन भी नहीं करता, एक्चुअली क्या हुआ कि रिपोर्टर्स आते हैं ना आप कभी जीत के आइए कुछ भी है तो रिपोर्टर ये हार्डली मतलब 7 या 8 महीना पहले ही किया गया है तो रिपोर्टर्स आते थे तो इंटरव्यू लेते सर आप ऐसे ऐसा आपका लुक होना चाहिए मेडल ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने मतलब एक सीनरी बना के दिए थे कि आप ऐसे करिए, कभी कभी तो वो पूछ पाछ के लाते रख देते इसमें इंटरव्यू अच्छा आएगा तो ऐसा आएगा, तो इस टाइप में फिर मैंने एक कारपेंटर आया तो बोला यार कुछ कर सकता है क्या इसके बारे में, वो कलर मारने आया था बोला सर मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो उसने थोड़ा बहुत बना दिया और उसी कारपेंटर ने ही सब सेटअप किया ला और मेरे फ्रेंड्स दो मिल के किए लोग, तो ये सिचुएशन है कि मैंने नहीं किया जो हुआ हो गया एंड में तो आपने ही कारपेंटर को बताया तो आपने ही किया है वो अलग है बट जो मुझे इंस्पायर किया जैसे रिपोर्टर्स ने इंस्पायर किया नहीं ऐसा होना चाहिए प्रमोद जी आपका ऐसा होना चाहिए आपके मेडल से देखिए लेफ्ट साइड में अर्जुन अवार्ड है और आपको थोड़ा ब्रॉड करता हूँ मैं ये देखिए इधर मेरे ओडिशा के स्टेट अवार्ड ये बीजू पटनायक अवार्ड है सॉरी इस तरफ तो ये तो मतलब उन्होंने सब सेटअप बनाया है तो आपको दिखाता हूँ ये अर्जुन अवार्ड यहाँ बीजू पटनायक अवार्ड और भगवान की दया हुई तो मैं क्या बोलते हैं कि भूल गया फिर से पद्मश्री के लिए मेरा नॉमिनेट हुआ है बाई चांस अगर सब विश करे और मैं अगर पद्मश्री हो जाए तो इसको मिडिल में रखूंगा अच्छा मेडल तो दिखाना चाहिए आपको मतलब इतनी मेहनत के बाद आप लोगों ने जीता तो वो तो मेडल दिखाना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं कभी कभी होता है ना कि बहुत जैसे एक स्वॉप टाइप हो जाता है मैं यहाँ बैठने वाला था जैसे आप अभी बता रहा हूँ क्यों बैठा मैं यहाँ पर वो भी इसका सिचुएशन में अपने बेडरूम में बैठने वाला था तो क्या हुआ अभी आपका एक टेस्ट हुआ 7:30 को एक टेस्ट लिया गया था कि बॉयज कैसा आ रहा है क्या आ रहा है वो सब के लिए तो मैं जस्ट लाइक ऐसे नॉर्मली यहाँ बैठा हुआ साइड में तो ये जो टेस्ट ले रहे थे कि वीडियो क्लियरिटी कैसा है साउंड वॉइस कैसा है तो उन्होंने कहा ये लुक आपका परफेक्ट है तो मैंने बोला चलो ठीक है तो मैंने बोला मैं ऐसे बैठा हुआ था मैंने बोला थोड़ा और ब्रॉड कर देते हैं थोड़ा बड़ा और ज्यादा परफेक्ट कर देते हैं आप सौरभ जी आपने देखते ही बोला प्रमोद जी आपने क्या मस्त सेटअप बनाया है और आपने क्या मस्त लुक किया है तो मैं मतलब सुना ऐसे चौड़ा हो गया
सॉरी थोड़े कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बस कमेंट्स को पढ़ लूं फिर उसके बाद आपसे दो और सवाल है. पल्लवी सलूजा हैज सेड, हे सौरभ, आई एम वाचिंग दी स्ट्रीम्स एंड लविंग देम, नेवर गॉट अ चांस टू वॉच देम लाइव, दिस इज टू सपोर्ट द वर्क यू डूइंग एंड ऑल द अमेजिंग पीपल यू आर इंट्रोड्यूसिंग अस टू. नहीं यार, इट्स लाइक दिस इज लॉट ऑफ फन. मैंने काफी अभी तक आई थिंक 20 या 21 किए हुए हैं, तो आप लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. पल्लवी सलूजा हैज सेड, हे सौरभ, वाचिंग streams and loving them, never got a chance to watch them live, this is to support the work you're doing and all the amazing people. Again, Bharat Madi Rizvi says, not a question, just lots of love and admiration, very nice. Nitesh Singh, great work. Saurabh, अरे मेरा कुछ great work नहीं है, इनका सब great work है, मैं बस ऐसे ही, मैं बस बकवास करता है बीच में. Ravi has said, thank you for doing this, lots of love to you and love to Amit Saroha sir. He has guided someone I know as well and she's won gold for India, Ekta Bhyan. अभी आपने नाम लिया था ना उनका, वैसे कभी बीच में नाम लिया था आपने? मेरी स्टूडेंट है. अच्छा. मैं 2014 एशियन गेम के बाद ये भी बड़ा मतलब वो क्लिक करने वाली चीज है. 2014 एशियन गेम मेरे दो मेडल आए, एक गोल्ड एक सिल्वर, और गवर्नमेंट से अच्छा खासा सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट थे मेरे, अच्छे पैसे थे और जॉब भी मेरी ऑलरेडी लग गई थी. वो आदमी की अपनी संतुष्टि, मुझे ये लगा कि यार बहुत है, भगवान ने आपको बहुत दिया है, और कहीं ना कहीं मतलब वो क्लिक करने वाली बात है कि एक दिन ऐसा ही बैठे कि यार आपको भी पैरा स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए. 2014 एशियन गेम के बाद तो उसके बाद शुरू किया मैंने अपने भी आप, शुरू मैंने दो एथलीट्स किया था सपोर्ट करना, बढ़ती चली गई, वो दो से तीन हुए, तीन से चार हुए, चार से आठ हुए, पर मेरी इन्विटेशन कितने लोगों फाइनेंशियली, क्योंकि अगर किसी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो उनकी डाइट का या खाने पीने का या ट्रेवल का या इंटरनेशनल ट्रेवल का, कोई भी कंपटीशन के लोग आप लाख रुपए तो लगी जाए, वो चीजें एक लिमिटेशन में मैं कर सकता था. और वो 2015 तक करता रहा, तब तक इन लोगों के सिलेक्शन ऑलमोस्ट रियो के लिए हो गए. रणवीर है स्टूडेंट, इंजरी है. आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आपको थोड़ा म्यूट कर सकते हैं क्या? आई थिंक आपका आपका बहुत कोई खटखटाहट आ रही है काफी टाइम से. हाँ, थोड़ा मार रहे हैं लग रहा है. वो मेरा एक फ्रेंड मेरे से मिलने आया था घर में, ऐसे ही घर के बाहर बैठा था, उसने कहा कि यार मेरे पड़ोस में एक लड़का है, नहीं है भाई, उसको भी अमित भाई ये चोट लग गई आप वाली, तो उसको थोड़ा सा देखो यार, अगर वो कुछ कर पाए तो, आपने तो इस लेवल का कर दिया, अगर उसको थोड़ा बहुत. तो मैं धर्मवीर के घर गया था जो मेरा स्टूडेंट है, और उसको वो बैठा था, लेटा था, ऐसे ही बात होती रही भी क्या करना है कैसे करना है. तो बड़ा आदमी नॉर्मली है कि इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बाद अकेला वो वैसे था, भाई नहीं था और सिस्टर की शादी वगैरह हो रखी थी, मदर थी, फादर एक्सपायर हो रखे थे. तो मगा भाई तू स्पोर्ट शुरू कर, तो धर्मवीर का शुरू कराया, और खुद मैंने ट्रेनिंग कराई है धर्मवीर को, रिंकू वगैरह को, तो खैर फाइनेंशियली वगैरह जो हम लोग सपोर्ट कर पा रहे थे, जो मेंटली कर पा रहे थे, साथ रखना, मेरे साथ रहना, खाना पीना सब कुछ. पर धर्मवीर को मैं उस टाइम पे भी खुद अपना टाइम निकाल के, हालांकि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2015 ओलंपिक क्वालिफाइंग होता इवेंट था, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल के धर्मवीर को ट्रेनिंग करा था. और मतलब मोटिव यही था कि भाई अच्छा करेगा, पर धर्मवीर में बहुत डेडिकेशन था, मतलब वो बहुत एफर्ट करता था और बहुत मेहनत करता था. तो मतलब लास्ट में ये था कि भाई धर्मवीर को भी कोशिश करनी है कि पैरालंपिक गेम्स तक. तो दो साल की ट्रेनिंग में धर्मवीर ने इतना एफर्ट डाला कि वो पैरालंपिक के लिए सेलेक्ट हुआ. मतलब मेरी टीम से मेरे साथ रियो पैरालंपिक में तीन और लोगों का सिलेक्शन हुआ था, रिंकू, रामपाल और धर्मवीर. तो मतलब बड़ा खुद के लिए प्राउड फील होता था कि यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, प्रमोद वगैरह, संदीप वगैरह जानते हैं कि मेरा कोई भी इवेंट होता है, हमारी जहाँ सारी टीम होती है, मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि यार ठीक है, आपको पैरा स्पोर्ट्स में बहुत, और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की मदद करोगे ना तो भगवान आपको चार गुना ज्यादा, वो अपनी लाइफ में कम से कम एक दो एथलीट की तो मदद जरूर, जिसको आप लोग चलो फाइनेंशियली ना कर पाओ, किसी भी तरीके से
सपोर्ट करो ताकि उनके लाइफ स्टाइल एकता का रहता। एकता ने अभी मैसेज किया है तो एकता का तो और भी बड़ी मजेदार स्टोरी है। एकता का मेरे किसी साथी ने मुझे व्हाट्सएप पे कोई वो भेजा था आर्टिकल। एकता हरियाणा सिविल सर्विसेज में है, HCS की जॉब कर रही है अभी, हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वो। और उसकी मुझे किसी ने ऐसे ही भेज दिया व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड ने, वो मैंने देख लिया और पढ़ा, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। और मैं देख सोच भी रहा था कि कोई लड़की चाहिए इस क्लास में कि जो स्पोर्ट्स जिसको कराएं, क्योंकि पैरा 51 पैरा स्पोर्ट्स में 51 क्लास का मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ पे सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका था तो मुझे पता था कि मैं निकाल लूं। तो मेरे फ्रेंड को बोला वहीं हिसार का, क्योंकि मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां लोकली एक फ्रेंड है एसडीओ, उसको फोन किया कि यार एक लड़की है इसका पता निकालो, इसको गेम कराना है। मतलब ये टोक्यो से रियो से पहले की बात है, नेशनल चैंपियनशिप से भी 15 की बात। तो उस फ्रेंड को कॉल किया, वो बोला मैं जानता हूँ और ये यार अच्छी खासी जॉब पे है, मगर फिर भी एक बार पता करो यार अगर गेम कर ले तो। मैं उसको कह गए, वो अपने काम में बिजी हो गया, मैं फॉरेन कंपटीशन के लिए चल गया। उसके बाद मैं आया, आते ही नेशनल चैंपियनशिप थी, मुझे ध्यान आया कि यार अरे यार वो एक लड़की थी जिसको मैंने बुलाना था और इसको खिलाना भी था। तो फिर उसको फोन किया लड़के को कि यार वो लड़की नेशनल चैंपियनशिप में आ सकती है, मगर मैं उसकी स्पेशल एंट्री करा दूंगा कह के, और क्योंकि इस डिसेबिलिटी में कोई है नहीं तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कम से कम आएगी तो कुछ सीख के जाएगी। मगर भाई उसको पूछ अगर वो आ सकती है, चांस लेना है, उसका सिलेक्शन हो भी जाए ना भी, मगर मैं 99% तो करा दूंगा। तो एकता को बुलाया और इसको नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराया, 2-4 थ्रो कराए थे मेरे ख्याल में इसके। तो इसने वो जो और वहां लड़कियां आई हुई थी, क्योंकि प्रोफेशनली कोई नहीं कर रही थी उस टाइम, क्योंकि इस डिसेबिलिटी में मैंने आपको बताया ना कि उस टाइम तक तो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि स्पोर्ट्स कर सकते। आज आप मानोगे नहीं, मेरी डिसेबिलिटी में इंडिया में 15-20 लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा शाइन है, लोग इम्प्रूव आ रहे हैं आगे। तो एकता ने उनसे बहुत अच्छा थ्रो किया और वो मेरे ख्याल में 10 मीटर थ्रो किया था, 8-10 मीटर के बीच, और वो रियो पैरा ओलंपिक के जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड से जैसे संदीप वाला पार्ट था उसके नियर अबाउट का उसने परफॉर्म किया। तो मतलब मुझे याद है मैंने उसको यही कहा था हमारी लैंग्वेज में, मगर भाई छोरी जहाज में बैठने जोगी तो हो गई, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने के लायक तो हो गई, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है। उसको ट्रेनिंग कराई, एकता ने भी अच्छा किया, हार्ड लक वो टोक्यो रियो तो नहीं खेल पाई, बट उसके बाद अभी 18 वाले एशियन गेम में उसका गोल्ड था। 18 वाले एशियन गेम में मेरी टीम से 8 लोग थे और 8 में से 7 के मेडल। अरे वाह। तो वैसे अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप आया है कि सारे जो एथलीट जिनका नाम आपने अभी तक लिया है सबको सब जीएसएफ सबको सपोर्ट कर रही है। मैं इसलिए रिलैक्स हुआ कि जब ये लोग अच्छा परफॉर्म करने लग गए तो देखिए गो स्पोर्ट्स का मैं इस चीज के लिए आभारी भी हूँ कि उन्होंने मेरे कमिटमेंट पे भरोसा किया और मैंने उनको कहा कि भाई ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं, आप इनको भी सपोर्ट कर, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है एज ए इंडिविजुअल आदमी, मैं कितने 10-15-20 लाख रुपए खर्च कर दूं। और वो भी मतलब मेरी थिंकिंग चेंज थी कि यार मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरी लाइफ कट जाएगी इस पैसे में और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर मुझे भगवान ने इतनी बड़ी चोट के बाद, मैं हमेशा यही थैंक्स करता हूँ कि इतनी बड़ी चोट के बाद मुझे इस लायक बनाया कि मैं मदद कर पा रहा, मदद लेने की बजाय मेरे लिए ये बहुत। तो गो स्पोर्ट्स ने मेरी कमिटमेंट पे इन सब एथलीट को सपोर्ट किया और एथलीट ने भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई है, परफॉर्म सबके मेडल है, सब पैरालंपिक क्वालिफाई बैठे हैं। और होप्स आप, मैं अगर ये हालात ऐसे नहीं होते, यार मैं हमेशा बुराई में भी अच्छा ही देखता हूँ कि ये हालात आए तो इससे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। हाँ, जब समय उल्टा चलता है, खराब चलता है, तो उसके बाद एक नई शुरुआत और अच्छी होती है। आप हारते हो तो उस हार का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो, आप उस हार से सीखो कि आपने क्या गलतियां की, क्या कमियां की। मैं रियो पैरा ओलंपिक में फेवरेट, मैं और सुंदर गुजर दो आदमी ऐसे थे जिनका मतलब शोर शॉट था कि गोल्ड की लड़ाई थी, सिल्वर तो शोर, और दोनों ही मेडल आउट थे। मैं कंपटीशन के लास्ट अटेम्प्ट पे मेडल आउट हुआ, तो मतलब आप सोच सकते हो कि मेरा मेंटल लेवल क्या होगा उससे। पर उससे भी रिकवर किया, निकले, पॉजिटिवली सोचा उसको कि क्या गलतियां की। उसके ठीक 8-9 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हमारी लंदन में,
वहां भाई साहब मैं 4 मीटर के ऊपर थ्रो करके नया एशियन रिकॉर्ड ब्रेक करके, और जो वहां मेडल आया था गोल्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देके मैंने सिल्वर मेडल। अरे वाह, तो मतलब वो पैशन है आपको नई चीजें, आपको जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे। मतलब मेरी थ्योरी ये है जो मैंने अपने जर्नी से और अपने लाइफ से सीखा है, तो बहुत बढ़िया मेरी जर्नी रही है और मैं हमेशा यही करूंगा, खेलेंगे तो गिरेंगे भी हारेंगे भी, ये पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ लाइफ है। और मतलब मुझे ये नहीं लगता कि यार मैं, अगर मैं सोचता हूँ ना कई बार कि अगर यार मैं स्पोर्ट्स नहीं करूंगा या जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तब मैं क्या करूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मेरी लाइफ इस गेम के कुछ नहीं। तो भाई साहब आप गाइड करोगे ना, गाइड करोगे, कोचिंग करोगे ना अच्छे तरीके से? मतलब ये है कि मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, जब तक मेरा लास्ट टाइम है तब तक भी मैं यही चाहूंगा कि मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में करता रहूं, कोचिंग करता रहूं, आपको बताता सिखाता। जैसे कि जापानीज के बारे में कहा गया है वो काम करते करते मर जाते हैं। जस्ट ये वर्डिंग थोड़ा अलग है, बट क्या होता है कि बहुत मैं सुना हूँ जापानीज के बारे में कि वो काम के लिए इतना डेडिकेटेड है कि काम करते करते ऐसा होता है एक दिन आता है कि वो जो अपना डेथ पे ही उनका मतलब ये हो जाता है, डेथ हो जाता है। ऐसा बहुत सारा स्टोरी जापान में है। और डिसेबल के बारे में जो आपने कहा, मतलब वहां पर मैं ऐसे हम ट्रैवल कर रहे थे बस से जापान में, मैं 2-4 दिन हम ट्रेनिंग के लिए गए थे बिफोर क्या बोलते हैं, हाँ बिफोर ओलंपिक इवेंट का जो ये होता है क्वालिफायर राउंड, उसके लिए गए थे हम इवेंट के लिए, क्वालिफाई इवेंट जो कर रहे थे उसके लिए गए थे। तो मैंने देखा हम बस में चढ़े हुए थे, एक ब्लाइंड पर्सन चढ़ा, तो हमारे साथ 2-3 जापानीज भी एथलीट थे, तो हम पूछे यार ये चढ़ गया, इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, चलो वो कोई बात नहीं, डंडे वो उनका एक डंडा होता है उनसे वो कर मतलब अपना मार्क रास्ता खोज लेते हैं। बट उसके बाद वो उतरा और चले गया, तो मैं बोला यार ये उतरा ये कैसे अपने घर जाएगा और कैसे क्या करेगा क्या करेगा, तो मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई सपोर्ट करे, वो एक सिचुएशन था वो तो मे बी ब्लाइंड लोग का बहुत ये होता है तो लोग कर लेते हैं। बट एक जगह पर देखिए जैसे जापान में एक कोई भी भिखारी नहीं दिखेंगे जैसे होते हैं, तो जैसे इंडिया में इतने हैं, तो एक जगह पे एक आदमी बैठा हुआ था तो मैं उसको देख रहा था, तो जापानी जो एथलीट थे वो बोले उधर मत देखो उधर मत देखो, क्यों तो अकवर्ड फील करेंगे, बोला यार हमारे वहां तो अकवर्ड गया वो तो हमारे पास आ जाते हैं और खींचते तो अकवर्ड क्यों, मैं बोले क्यों, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम डिसेबल है अगर हमको कोई देखेगा तो हमको अकवर्ड फील होगा, सेम थॉट उसका है, तो बोला वो कमाएगा कैसे अगर वो उसके पास कुछ रोजगार ही नहीं है कुछ नहीं है, तो बोला उसके पास बहुत सारा साधन है। तो मतलब जापान और अपना अगर इंडिया में देखा है थोड़ा बहुत है ये जो अमित शाह ने कहा। और एक लास्ट अगर कुछ नहीं है तो मैं ये जो सर ने कहा एक लाने का, मैं एक बहुत मेरा मतलब एक लाइफ में ऐसे तो कोई सीरियस मूड कभी गया नहीं है पर इंटरेस्टिंग होते रहता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं 8 साल कोच रह चुका हूँ मेरे लाइफ में, अब छोड़ चुका एज ए मैं प्रोफेशनली मैं ओलंपिक के लिए ओलंपिक गोल्ड के लिए हूँ। तो मैं 8 साल कोचिंग दे रहा था एक स्कूल में था, मैं ओडिशा में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल में विकास नेशनल स्कूल है वहां पर मैं कोचिंग दे रहा था। तो एक डिजेबल लड़का मुझे मिला, तो मेरे एक कोच थे जो बहुत सीरियस बहुत हार्ड है, मतलब उनका मतलब उनके से अगर रूल्स ए छोटा सा ब्रेक हो गया तो मतलब आपका मतलब अंतिम संस्कार हो जाएगा, वो सिचुएशन रहता है। तो कभी मैंने दिल पे नहीं लिया, बहुत सारे हार्ड वर्ड्स बहुत सारे चार्ज भी हुए बट इधर जाता है इधर से निकल जाता है, तो कभी आया नहीं मतलब इनबिल्ड नहीं हुआ बॉडी में। तो है तो एक बार मैंने बोला सर एक लड़का है उसको लेके आ, ठीक है लेके आओ लेके आ। तब मैं भी इतना कुछ नहीं जानता था, तो मुझे एक फॉर्म ला के दिए सर ने, बोले ये फॉर्म है और एक सर्किल होता है फॉर्म में साइन करने का, ये सर्किल से साइन बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा। तो अब सिचुएशन देखो, मेरे कोच मैं कोच मेरा स्टूडेंट मतलब यहाँ पर मेरे कोच है मैं किसी और का कोच हूँ और मेरा स्टूडेंट है, समझ रहे हो सिचुएशन कैसा था। तो वो क्या हुआ शायद कुछ वीजा वीजा फॉर्म था मुझे इतना ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है,
मैं साइन करते करते मेरा भगत डी एच एच जी जी क्या वो नीचे आता है ना, तो मेरे गलती जी आते समय क्या सर्किल पे बाहर के उधर चले गया, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक थप्पड़ लगा दिया। मतलब इतना हार्ड नहीं था लेकिन आप सिचुएशन देखो, मैं मेरा स्टूडेंट है, मेरे कोच ने मुझे यहाँ लापा मार दिया और अब मैं वहां पर कुछ नहीं, एज ए कोच मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनके लिए मैं आज ये पैरा बैडमिंटन में भी आया हूँ। तो मैंने जस्ट एक मतलब हार्ड लुक मेरा कभी ऐसा, मैंने ऐसे सर को एक बार देखा फिर मुंडी नीचे कर लिया, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, तो मैंने ऐसे कर लिया। सर ने बोला ये बार बार बोलता हूँ इससे साइन नीचे नहीं जाना चाहिए, तो है अब फॉर्म के लिए उन्होंने फिर गया, उन्होंने पहले इतना एडवांस भी नहीं था, उन्होंने फिर एक जेरस दुकान में गया, एक पेपर जेरस करके लाया, प्रिंट आउट निकाल के दिया, अब करो, ऐसे किया। करने के बाद सर ने एक झंडू क्या बोलते अमृतांगन लेके आया थी, इतना हार्श स्ट्रोक नहीं था, आप जनरली कोई ऐसे करता है तो अलग बात होता है, इतना छोटा सा जो 5 या 10 रुपीज वाला एक वीक था वो लाके दर्द दिया, मतलब वो सिचुएशन था दर्द दिया, उन्होंने मुझे वो दिया और मैंने उसके बाद मेरा सीना चौड़ा हो गया। मेरा स्टूडेंट था पास में, मैं बोला दिल के अच्छे हैं कभी कभी दिमाग खिटक जाता तो उसके बाद मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया। वो बच्चा भी ऐसे मेरे बच्चा भी जब सर गए आए तब तक बच्चे ने कुछ नहीं कहा, तो जब ये मैं रिकवर किया सर इतने स्ट्रिक्ट है, मैं बोला नहीं वो कभी कभी सर वो गलती था ना मेरा जी नीचे आ गया तो कभी कभी हार्ड हो जाता है वो बच्चा तो नहीं सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो मतलब एज ए उसका जो गेम था मतलब वो अपने लेवल में नहीं था, बट बच्चा स्टडी कर रहा था तो हायर स्टडी के लिए वो चले गया, बट मेरे साथ ये बहुत मतलब अनोखी घटना घट गई। नहीं तो ये सारी कहानियां सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि आपकी ये बायोपिक की बात चल रही है कब से, शुरुआत से आपकी बायोपिक कन्फर्म्ड है, ये छोटे छोटे क्षणों के साथ आराम से मतलब कंफर्म, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो कंफर्म्ड है ये, इसका मैंने अपना स्टोरी लिखा है आपको क्या बात कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहेंगे मूवी में एक्टर भाई। एक मैंने डायरी लिखा है, एक डायरी है उसको मैंने फुल कंप्लीट नहीं किया, आधा पे आधा मतलब आधा डायरी कंप्लीट किया मैंने, और एक बार गलती से मेरे सिस्टर ने पढ़ लिया था तो मुझे वो ऐसे करना जब भी जाता मैं ऐसे देखती आज क्या हो गया मेरे सिस्टर को, मतलब वो मुझे कुछ खींच भी नहीं रही है, कुछ गाली भी नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, खाली चुपचाप ऐसे देख रही है। मतलब बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी थे, मतलब हार्ड वर्ड मतलब जस्ट लाइक इमोशनल, आप डायरी में लिखते हो बहुत कुछ मेंटेन करते हो, मैं जब बिजनेस से लिखा था तो मेरा स्टार्टअप थोड़ा हार्ड था लाइफ में वो लिखा था, तो ऐसे मुझे देख लीजिए ऐसे करते इग्नोर किया, एक बार दो बार किया, मतलब क्या हुआ तुझे, मतलब तेरा तबियत ठीक नहीं है क्या, बोली नहीं, क्या हुआ फिर, मैं तेरा डायरी पढ़ी, बाबा एक्चुअली मैं कभी डायरी पढ़ाता नहीं किसी को, नहीं पढ़ने, मेरा एक सपना है जब मैं बुढ़ा हूँ मेरे चार पांच नहीं एक दो बच्चे हो, आस पड़ोस के बच्चे आए और मैं एक चेयर रखू, मतलब अपना बुढ़ापे में टाइम पास, जैसे सर अमित सर ने कहा मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, ऐसे मैं हो सके थोड़ा कोचिंग, जब ज्यादा ही बुढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे के पास बैठ जाऊंगा और अपना डायरी खोलूंगा और सुनो ये मेरा स्टोरी था, तो मैं एक एक पार्ट जैसे अभी मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ वहाँ डिटेल में पार्ट है तो वो निकालने के लिए, तो उसके बाद मैंने मेरे सिस्टर ने कहा तू ऐसा ऐसा लिखता है, मतलब बहुत हार्ड मतलब किए था कि मतलब इमोशनल स्टोरी भी था उसमें, उसके फन बाद में आया था, तो मैंने वो रैपिंग कर दिया डायरी को, मैं बोला भाई अब तो लिख तो नहीं रहा हूँ उसको रैपिंग कर देता हूँ, पूरा रैपिंग कर दिया और मैंने अभी पलंग के नीचे घुसा के रखा है उसे कि कोई देख ना ले, कुछ प्यार की स्टोरी भी होगी। पर अभी तो आपने बता दिया कि रैपिंग करके आपने अपने पलंग के नीचे रखा है, तो आपकी बहन अगर ये सुनेगी तो आराम से ढूंढ लेगी उसको जाके। अब मैं दूसरे जगह जॉब में, अब दूसरे जगह पे रहता हूँ ना, और रैपिंग इतना हुआ है उसे खोलते खोलते आधा घंटा लगेगा, मेरे पास अलार्म आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा हुआ आप लोगों से बात करके, मुझे तो बहुत मजा आया। प्रमोद जी थैंक यू सो मच, अमित जी थैंक यू सो मच, संदीप जी थैंक यू सो मच। अभी अगर आप 30-30 सेकंड में बता सकते हैं कुछ आखिरी शब्द, आप मुझे ये आपसे जरूर पूछना था कि
स्पोर्ट्स और जो आप स्पोर्ट्स में करते हैं उसकी मतलब आपकी जिंदगी में क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या महत्व है उसके बारे में, और फिर गो स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप कहना चाहें तो बस अगर जल्दी से रैप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। संदीप जी आपसे शुरू कर लेते हैं। थैंक यू गो स्पोर्ट्स फॉर सच लाइक ऐसे टाइम पे हेल्प करना जब सबसे ज्यादा जरूरत थी स्पोर्ट्स लाइफ में, तो उनका काफी अहम रोल रहा है मेरी इस जर्नी में जो भी आज मैंने अचीव किया है। और विदाउट स्पोर्ट्स मैं कुछ भी सोच नहीं सकता अपनी लाइफ के बारे में, कि मैं इमेजिन भी नहीं करता और मैं चाहता भी नहीं कि मैं जी करूं, क्योंकि मैं जब तक मेरे बस में रहेगा तब तक मैं स्पोर्ट्स को एक अच्छा रिजल्ट या फिर अपने आप को इंक्रीज ही करता रहूंगा। थैंक यू और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 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 मुझे आप लोगों को धन्यवाद होस्ट करने के लिए। हाँ अमित जी देखिए गो स्पोर्ट्स को मैंने पहले ही कहा कि मेरी कमिटमेंट पे उन्होंने इतने लोगों को सपोर्ट किया है तो नो डाउट उनका तो बहुत आभारी हूँ मैं, और उन एथलीट ने परफॉर्म भी किया है कंट्री के लिए, और मैं लोगों से भी कहूंगा कि आगे आइए और जुड़िए ऐसी एसोसिएशन और ऐसी एनजीओ से जो हमारे देश के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है, इंडिया को एक स्पोर्ट्स पावर बनाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। और स्पोर्ट्स दूसरा पार्ट है स्पोर्ट्स का, मैं वो भी कह चुका हूँ कि मतलब कई बार जब मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं करूंगा तो अगर मैंने स्पोर्ट्स लाइफ छोड़ दी तो मैं पागल हो जाऊँ। मतलब मैं मेरे लास्ट टाइम के लास्ट क्षण तक मैं इसी से जुड़ा रहना चाहता हूँ। और अब ये है कि ऑलमोस्ट मैं टोक्यो में हालांकि बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, पर टोक्यो के बाद मेरा ये प्लान था कि शायद मैं अगला पैरालंपिक गेम 24 वाला पेरिस वाला खेल लूंगा या नहीं खेल लूंगा, मतलब वो यही था कि शायद रिटायर ले लें एक्टिव स्पोर्ट्स से और फिर प्रॉपरली टाइम देंगे एथलीट को, इंडिया के लिए नए बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, नई टीम बनाएंगे, नए लोगों को वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनिंग देंगे। तो मतलब मैं अपने आप को बगैर स्पोर्ट्स के, मतलब अगर मैं स्पोर्ट्स को चाहूँ या इसके बारे में बात करूँ तो उसके बगैर मैं अपने आप को गिनता नहीं, मुझे इतना दिया है स्पोर्ट्स ने। और अगर अमित सर हुआ कि कोई पहचान है तो वो खेल की बदौलत, खेल के बगैर मैं अपने आप को अधूरा हूँ। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा होस्ट किया और इतने लोगों से कनेक्ट हुए लोग, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखकर जो पेरेंट्स डिफरेंटली एबल अपने बच्चों के बारे में मायूस हैं वो जरूर कहीं ना कहीं पैरा स्पोर्ट्स से जुड़े। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। प्रमोद जी अभी भगवान की बात आ गई है तो भगवान किसको अपने आप को करेंगे हमें करेंगे नहीं एक्चुअली मैं भी जैसे सबने कहा मैंने भी थैंक यू गो स्पोर्ट्स, क्योंकि एक टाइम होता है स्पोर्ट्स पर्सन का या गेम छोड़ दे या पकड़ ले, वो टाइम में अगर कोई आपका हाथ थाम ले तो मतलब वही भगवान होता है। और तो एक्चुअली 2013 में जब गो स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था तभी मैं भी अपना गेम स्टार्ट कर रहा था। एक लाइक जस्ट देख लो कि गो स्पोर्ट्स का बचपन और मेरा बचपन एक साथ हुआ है। और तो थैंक यू गो स्पोर्ट्स सपोर्ट मी, और इस लॉकडाउन में उन्होंने मुझे एक मिनी जिम प्रोवाइड किया जो कि मेरे लिए बहुत किफायती है, मेरे को प्रिपरेशन 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए, और जो कि मैं अभी लाया हूँ, अभी तक किया नहीं, मतलब आजकल तो मैं जब करूंगा तो शायद आप सब तो मेरा पोस्ट गो स्पोर्ट्स के लिए और मेरा हार्डवर्क, क्योंकि पहले दिखता नहीं होगा अब दिखेगा। थैंक यू गो स्पोर्ट्स, और थैंक यू सौरभ जी बट आपसे और एक बार मिलने की चाह है क्योंकि आपका ये सीरियस मूड था, क्योंकि आप सीरियस मूड में बहुत सीरियस थे, आपका कॉमेडी मूड मुझे देखना है और जीना है। तो आई होप हम कभी और एक बार मिले, और मैं तो नहीं नहीं तो मैं तो जब भी शुरू होंगे तो आप लोगों के लिए तो मतलब टिकट हमेशा है वहां पर, तो आप जरूर आइए। और मतलब आपको बुलाने का कॉम्प्लेक्स तो यही रहेगा कि आप मतलब मेरे से ज्यादा मतलब जोक ना बनाए वहां पर, फिर साइड पे जैसे एक साल के लिए हर एक दिन आप मेरे शो के लिए आए, फिर हैकल करिए, फिर मैं आपको मौका दूं, फिर आप ओवरटेक कर ले जैसे आपने बैडमिंटन में किया है। ये मेरा प्लेजर होगा। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू संदीप जी, और बाय नमस्ते बाय। हाँ जी चलिए तो मैं बस बाय बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑफ कर दीजिए, बस थोड़ा 3-4 मिनट के लिए मैं थोड़ा बाय बोल दूंगा लोगों को। जस्ट वांट टू मेंशन कि
thanks to IndusInd Bank, Sony Pictures Network India, and AT&T as well, who support these three athletes and many other para athletes. To tell you, kal we have Ashwin Sanghi and Amish Tripathi, which is on Sunday, 11 o'clock. Taking a break on Monday. Next week onwards, we're doing this on Tuesday, Thursdays, Saturdays, and Sundays because it gets exhausting for me also. Tuesday, we have Akash Gupta, Pratyush Chaube, and Vikramjeet Singh. That's going to be fun, and I'll keep announcing the rest of the this thing. Again, go there and please support GoSport Foundation. Once again, I have a lot of shows coming up. 26th, which is tomorrow, I have a show which is Sit Down Comedy, which is happening on Zoom. For first go, I'm doing a workshop and a stand-up show. Second is another show. 8th is another show. Please go to saurabpanth.com for tickets. And again, the GoSports links are below. So go out there and donate if you can. If you have the money during the lockdown. If you don't, that's absolutely fine. Just keep watching. Thanks a lot, guys. I'll see you guys tomorrow, 11 o'clock once again. Thanks for tuning in. Thanks to all the athletes who came. Thanks to GoSports. Thanks to Manav. Thanks to Niharika. Thanks to Bhagwan. See you guys.